Vishwaman bharau duja bharau Yoga dharma palau Bande jagat priya karau Karuna avatarau Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu jagat pate Gope sahagopita janta Sri Radha kanta namastuti Tapta kanchana gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute devi Pranamami hari priya Bhaktya bhina parada lakshai Bhikta sita mahadi taranga madhai Sri Pamai Twam Saranam Prabharna Vrinda Namaste Charana Aravinda He Sri Sanatana Prabhu Karunam Varase He Rupa Durgat Jane Dayavalokai He Bhatta Jujma Sumatir Raghunath Dasa Sri Jeevan Kurutamanda Matir Dayam Varase Tamadi Devam Karuna Nidhanam Tamalavarnam Suhidavataram Apare Sansare Samudra Setum Bajamai Bhagavatam Swarupam Janma Prabhajanta Manupeta Mapeta Kritam Dvaipayana Virahata Tara Ajubhava Putriti Tanmaya Tayatarabho Vinedum Stam Sarvabhuta Hridayam Munimana Tosmi Narayanam Namaskritta Naranchaiva Narutamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Diray Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadhi Gaur Bhakta Vrinda Sabhagar Hapitharva Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham Mari Guru Pada Padma Nita Lila Pravishnam Vishnu Pada Shotara Satasri Sri Sri Mata Bhakti Sri Ru Siddhanta Goswami Maharaj Ke Charna Kamalame अनंतवती साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा मितलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद ऐश्वर्य सतेश्री श्री श्रीमात भक्ति विदान पत्रिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांगली अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कलियुग को चार जगह पर स्थान दिया है। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य। जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, इसलिए धर्म का पहला चरण उसमें खत्म हो जाता है। दूसरा नंबर है इसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान पीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति नस्ली वस्तु ग्रहण करते हैं तो वो कभी तपस्या नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा है स्त्रियम। स्त्रियम मतलब है जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष जो पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं यदि वहाँ पर धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता, यदि वहाँ पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है जीव हिंसा।
मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक समय श्री परिकृति महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। आज इतने जोर से उनको प्यास लगी कभी जिंदगी में लगी नहीं। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे। उनको पानी मांगे तो वो तो भजन में गए हुए थे, वो पानी दिए ही नहीं। परिकृति महाराज को ऐसे लगा मानो ये मेरे को देख करके ये झूठ मूठ का आंख बंद करके ले लेगा। बोले देश का मैं राजा हूँ, अगर ये राजा को थोड़ा अगर पानी नहीं पिला सका तो तुमने क्या किया। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को डाल दिया, इसकी बच्चे को जो पता चला उसने अभिशाप दिया है। जिसने मेरे पिताजी की गले पर मरा हुआ सर्प को डाला मैं उनको अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। जब उसको पिता को पता चला उसने ब्राह्मण समाज को भी उल्टा अभिशाप दिया। बोले देश का राजा इतने बड़े कृष्ण भक्त आश्रम पर आए, उनको पानी तक भी नहीं दिया दे पाए, फिर उल्टा अभिशाप दे दिया। मैं भी ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, इनके जो बात शक्ति वाणी में जो शक्ति ये सब के सब नष्ट हो जाए। लेकिन परिकृत महाराज को जो पता चला मेरे ऊपर ऋषि की अभिशाप है, परिकृत महाराज दुखी नहीं सुखी हो गए। बोले क्यों? अगर हमने कोई अपराध कर डाले अगर इसका प्रायश्चित मिल जाए ना फिर तो अपराध से मुक्त हो जाते। प्रसन्न होकर के अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा करके इन्होंने प्राय प्रदर्शन किया है। प्राय प्रदर्शन का मतलब होता है जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देखो अगर हमें पता चले 7 दिन में हम मरने वाले हैं, बताओ आपको क्या होगा? सुनते तो आधा ही मर जाएंगे। अगर 7 दिन जिंदा रहेंगे ना हम क्या करेंगे बताओ? इतने बढ़िया से बढ़िया खाओ पियो और मर जाओ। जब 7 दिन में मरना है हम यही करेंगे। लेकिन परिकृत बोले नहीं, भगवान ने जो जीवन दिया है ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति का दरवाजा है। इसलिए ये जीवन में प्रभु की भक्ति करते करते अगर ये जीवन बीत जाए तो तभी ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए अभी उसी समय कोई टेलीग्राफ टेलीफोन नहीं था, लेकिन इन ऋषियों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। सारे ऋषि मुनियों को पता चला अभिश्री भागवत कथा होगी, वहां पर 88,000 ऋषि वहां उपस्थित हुए। परिकृत महाराज सबको प्रश्न किए, बोले आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो बरसों सबको मरना है, कोई नहीं बोल सकता है मैं मरूंगा नहीं। अब ये बताओ ये मरणशली व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? लेकिन नासव मनीर जैसे मतम न निर्मण, ऐसे कोई ऋषि नहीं था जिनका मत ही अलग नहीं था। इतने में परिकृत महाराज मन मन में भगवान के चरण में शरणागत हो गए। बोले हे प्रभु जब मैं माटी गर्भ में था आप ही मैंने दर्शन दिया है, आप ही मेरे को कृपा की है। मेरे अंतिम इच्छा है भगवान की कथा श्रवण करते करते अपना जीवन बीत गया। तो उसी समय भगवान की भगवत इच्छा से सुनाई सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए तब परिकृत महाराज ने बोले हे प्रभु आप कृपा करके ये बताओ। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले आप कृपा करके ये बताए एक दिन सबको मरना ही है, जो ये मरणशील जो व्यक्ति है आप ये बताओ जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिले। लेकिन ये जगत में देखना कोई भी तृप्त नहीं है, भले ही कितने पैसा मिल जाए। एक दुकान हो गया दूसरे दुकान कैसे बना, एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री है। भारत का सबसे बड़ा पैसा वाला सस्ता है
ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला मैं बनना, मैं मुझे बनने चाहिए। इसलिए हम लोग कहते ना कमाई, कमाई मतलब क्या है, कम आई और ज्यादा आना चाहिए। लेकिन इनका प्रश्न है, आप कृपा करके ये बताओ ऐसे कौन सा वस्तु जिसको पाने का बाद ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिला, आप कृपा करके बताओ। और जीव जात कर्तव्य किया और अकर्तव्य किया आप बताओ। इसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बरियान असते प्रश्न कृतलो कहृतम नृपम। बोले परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जिस प्रश्न को आत्मा में रमण करने वाले जो बड़े बड़े योगी लोग भी जिस प्रश्न को आदर करते हैं। देखो ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ जिसको भगवान कहते हैं बड़े बड़े भाग मानव कन पाबा जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर दिया है। ध्यान देना भैया, ये मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 लाख जन्म क्या कौन सा जन्म है? देखो इसको गिन लो। बोले जलजा नव लक्षाणी, ये पानी तो अंदर में ना लगभग जन्म हुआ, ये मनुष्य का देखा जितने कीड़े मकोड़े जितने पानी में मछली बचली है ना, अगर जो मछली खाते अगर उनके हाथ में पड़े जैसे आप पकौड़ा बनाते हो ऐसे ही गर्म तेल में सीधा सीधा गर्म तेल में छोड़ देते हैं पकौड़ा जैसे बना कर खा लेते हैं जब मछली वाले। बोले स्थावरा लक्षती, जितने पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, ये 20 लाख बार ये पेड़ पौधा जन्म लेना पड़ा। अब इनका जीवन बड़ा कठिन जीवन है, धूप में गर्मी सर्दी में खड़े रहते हैं, कोई टहनिया काट ले कोई छाल उतार करके ले जाए, वो बोल नहीं पाते हैं, हैं कि बोल नहीं पाते हैं। बोले कृमया रुद्र संकेतम, भाई जो कीड़े मकुड़े ये 11 लाख बार कीड़े मकुड़े जन्म लिए। बोले त्रिशत लक्षाणी फसव, जितने जानवर हैं वो 30 लाख बार जानवर बने। अगर बकरी बने ना देखे होंगे सीधा टांग लटका करके चमड़ा उतार लेते हैं, और सुअर को कैसे मारते हैं कभी देखे हो? पानी को गर्म करते हैं और जब खौलता है पानी उसको चार उसको दोनों पैर को बांध देते चार पैर को और जिंदा जिंदा खौलते हुए पानी में छोड़ देते। इतने कठिन जीवन हमारे बीता है कि भगवान खुद कह रहे हैं, हैं भगवान खुद कहते हैं कि जो मानव शरीर पाने से पहले हमें इतना जीवन हमें भटकना पड़ा तभी ये मानव शरीर ठाकुर हमें दिए। लेकिन भगवान कहते हैं फिर अगर ये मानव शरीर पाए लेकिन पा करके जब ये मानव शरीर किया है बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा,
कभी ये मानव शरीर नहीं, कभी ये साधन का धाम है। देखो 84 लाख जीवन में किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, केवल इंसान ही बोल सकता है। जैसे दो प्यार से यहाँ तक चल करके आए, कौन आए? हम लोग इंसान आए। यहाँ पर कोई जानवर बैठ कर कथा सुन रहे? केवल एक ही हृदय दिया है, जो हृदय से हम भगवान को सोच सकते, भगवान को याद और ठाकुर को प्रणाम भक्ति कर सकते। इसलिए कहते भैया ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम है, इसी जीवन में ही भक्ति कर सकते हो और किसी जीवन में भक्ति कर नहीं सकते हो, ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े। लेकिन ठाकुर जी कहते अगर तुमने ये जीवन पाए लेकिन जानवर जैसे जीवन को बिता दिया, बोले जानवर क्या करते हैं? बोले चार काम करते हैं, दिन में दो और रात को दो। हम भी दिन में दो रात को दो काम करते हैं। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाओ और उसी पैसा से परिवार को मेंटेनेंस करो। बोले रात को सो और विषय भोग और बच्चे जन्म दो, ये चार काम ही करते हैं, इससे ज्यादा कोई ना काम करता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते भैया कौन सा जानवर ये काम नहीं कर रहे हैं बताए? हम तो साल में एक बच्चा देता है, सुअर को देखो एक साथ में एक दर्जन बच्चा जन्म दे देते हैं। हम एक बच्चे को 20-25 साल लगता है बड़ा बनाने के लिए, सुअर को देखो एक महीना में बड़ा करके छोड़ देता है, एक महीना में बड़ा करके छोड़ देता है। हमको पढ़ाई लिखाई करके फिर 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करके फिर पैसा कमाई करना पड़ता है। बताओ ये जानवर लोग कौन सा स्कूल गए, कौन सा यूनिवर्सिटी गए और कौन सा डिग्री को प्राप्त किया, कौन सा काम धाम कर रहे हैं? इनका खाना तो घूमते घामते अपने आप मिल जाता है। जो खाने के लिए हम इतने कष्ट करते हैं वो खाना इनके अपने आप मिल रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो अगर ये जीवन में तुम सारे कर्तव्य कर दिया, मानव शरीर का सारे कर्तव्य किया, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति नहीं किया ना, इसलिए ये मानव शरीर को इतना दुर्लभ बताया। कारण इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर हमने सब कुछ किया अगर भक्ति नहीं किया ना, भागवत कहते पूछ और सींग कटे जाने वाले हम दो प्यार की जानवर, हम इंसान कहने का लायक नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करो, भजन करो, नहीं तो तुम इंसान है ही नहीं, तुम तो जानवर हो। इसलिए जीवन पाकर क्या करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई बोल नहीं रहे, जोर से बोला, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माइक वाले कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सर्वात्मना राजन भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर इस जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं तो उसको क्या करनी चाहिए? बोले उसको तीन काम करने चाहिए। बोले भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए और भगवान को स्मरण, तीन काम करने चाहिए। लेकिन ये तीनों कामों में जो सर्वश्रेष्ठ है बोले भगवान का नाम कीर्तन। ये जितने साधन में ये अलग उपाय होता है, ठाकुर जी नाम कीर्तन करो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राम, जय जय। सृष्टि का क्रम को वर्णना करते हैं, सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई और उन्होंने चार तरफ में पानी पानी देखा। बोले भैया मेरी सृष्टि कहाँ से हुई? कमलनाड़ में उन्होंने अनुसंधान किया तो कहीं था ही नहीं पाया, फिर ऊपर उठे
उन्होंने व्यंजन वर्ण का सोलमा और एकोसमा अक्षर सुना, लगता और उत्ता तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी जब तपस्या किए भगवान ने बोले ज्ञानमी परम दीनम जब विज्ञान सम्मानितम सहारह संच तदगंच ग्रिहाणम गदितम भैया। भगवान ने ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वंश ध्वनि के द्वारा उनको गोपाल मंत्र प्रदान की, जिस मंत्र को जप करके ब्रह्मा जी ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया है। भगवान ने बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि का काम प्रारंभ करो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी चतुष्ण सृष्टि की, बोले बच्चों भगवान का आदेश संसार का सृष्टि प्रारंभ करो। बोले पिताजी हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये घर गृहस्थ बड़ा जंजाल है। बोले भगवान ने आदेश दिया घर गृहस्थ सृष्टि का पहला तुम हो, अब तुम मना कर रहे हो, बोले संसार नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले अगर नहीं करोगे ना अभिशाप देता हूँ, जैसे बच्चे बन करके जन्म हुए ऐसे ही है। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी तो वरदान है, देखना संसार का सारे बोझ किसको ऊपर है, बड़ों को ऊपर है, बच्चे तो आनंद से खेलते जीते हैं। बोले बढ़िया हो गया। फिर उन्होंने परछाई से कर्म ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने 10 बच्चे को जन्म दिया, फिर उन्होंने अपना शरीर से मन और सतरूपा को सृष्टि की, और यहीं से धीरे धीरे ये सृष्टि का क्रम हो गया। इसलिए श्री मनु और सतरूपा ने सर्वप्रथम 5 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे और 3 बेटी है। बोले उठान पात और प्रिय व्रत आकुति देवती और प्रसूति को सृष्टि की। यहाँ पर माता देवती की कथा आती है, माता देवती की शादी श्री कर्दम ऋषि को साथ में हो गई, फिर कर्दम ऋषि ने ध्यान में बैठ गई, 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, और माता देवती अपना पति व्रता धर्म को द्वारा उन्होंने अपना पति की सेवा की। 10,000 साल के बाद में आँख खुला तो वो भूल गए हमने कभी शादी किया, और माता देवती पति की सेवा करते 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 एकदम भूली हो गई, क्योंकि पति भोजन नहीं कर रहे हैं। जब पति भोजन नहीं कर रहे फिर ये कैसे भोजन करेंगे, पति श्रृंगार नहीं कर रहे हैं फिर ये कैसे श्रृंगार करेंगे, इसलिए एकदम भूली बन गई, और उनका केस में जटा जो तो उनको केस में हो गया। देखो ध्यान देकर सुने माताएं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो हम अपना घर में देखा जो हमारी जो माताएं थी ये कब श्रृंगार करती थी, ये सवेरे श्रृंगार करते हुए हमने नहीं देखा, हम देखते थे हमारे माताएं ये शाम को श्रृंगार करती थी। बोले क्यों ये सवेरे क्यों श्रृंगार नहीं करती थी, क्योंकि पति चले जाते थे काम, कहते स्त्रियाँ जो श्रृंगार करती हैं किसके लिए श्रृंगार करती हैं, अपना पति के लिए श्रृंगार करती है, पति शाम को काम करके वापस आएगा, इसलिए माताएं वो शाम को श्रृंगार करती थी, हैं ये शाम को श्रृंगार करती थी। अभी पति भोजन नहीं कर रहे हैं, अभी पत्नी कैसे भोजन करेगी, ये कैसे भोजन करेगी, ऐसे नहीं खाना बनाए बच्चों को पति को खिलाया नहीं खुद खा लिया, पत्नी की ये पति भर का धर्म नहीं है, ये पति भर का धर्म है। इसलिए कहते हमारे भारत में माताएं जो सर पर कपड़ा ओढ़ते हैं ना इसका बड़ा महत्व है, स्त्रियां क्यों कपड़ा ओढ़ती हैं कारण क्या है, कहते ये हमारी सुंदरता किसी दूसरे पुरुष के लिए नहीं, हमारी सुंदरता केवल हमारे पति के लिए, और किसी के लिए हमारी सुंदरता नहीं है, इसलिए माताएं क्या करती हैं सर पर कपड़ा ढकती हैं, इसलिए ये खोला केस भी नहीं रखनी चाहिए, ये सब अंग्रेजी संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं। इसलिए भागवत में आता है जिस समय माता दीति ने उनने कभी इंद्र सोच रहा था इनकी गर्भ में जो बच्चा है इसको मारेंगे कब कैसे, बोले मारेंगे कब, अगर कोई इनके अंदर में अगर इनकी क्रिया में कोई अगर सदाचार में अभाव हो जाएगा तभी बच्चों को मारेंगे। इतने में एक दिन उसने केस खोल करके भूल से कैसे सो गई, इतने में इंद्र अंदर में प्रवेश किया सारे बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसलिए कहते कभी भी माताओं को कभी खाली केस खोला केस नहीं रखनी चाहिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति है ना, आपने देखो अपना माता को कोई खाली केस रखते खोला केस रखते थे, नहीं रखती थी, इसलिए हमारे घर में नहीं है,
ये धीरे धीरे ये पश्चिम सभ्यता आकर के ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। देखो बुरा मत समझो, पुराण में बताया जब एक केस खुला कौन रखते हैं, दो व्यक्ति रखते हैं, कहते वैश्या नहीं तो विधवा, ये पुराण में आता है। केवल यही दो व्यक्ति केस को खोले रखते हैं, केस खोलनी नहीं चाहिए, ये भागवत में कथा आती है। इसलिए माता देवकी अपना पति की सेवा करते करते एकदम बुरी हो गई। लेकिन देखो जो पति व्रता धर्म को जाजन करते हैं इसमें कितने शक्ति ये चीज को देखो, कर्त मेरी से संतुष्ट हो गए, जो तुमने कितने मेरी सेवा की है बताओ तेरे को क्या चाहिए। बोले आप भगवान से वरदान मांगे थे ना, बोले हाँ। उन्होंने दो वरदान मांगे थे, पहला इनका वरदान वर था तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं होगा, ये एक। दूसरा है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओ तो मैं फिर आपकी संसार कर सकता हूँ। भगवान से वरदान मांगे, बोले हाँ। बोले भगवान के बेटे बने, बोले ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हारी पतिव्रता धर्म में संतुष्ट हूँ, जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। और स्नान करके जब वो निकली, वो इतने सुंदर पहले थी, इनकी सुंदरता को देख करके देवता लोग भी मुग्ध हो जाते थे। लेकिन पति की सेवा करते करते एकदम बुरी हो गई थी। जब फिर उन्होंने स्नान करके निकली, हजार दास दासियों को साथ में, पहले से भी ज्यादा सुंदरी बन कर और उन्होंने एक सुंदर विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले जो साइंस है अभी साइंस से बड़ी एडवांस है, वो वर्णना आती है कितने किलोमीटर तक होती विमान, जिस विमान में बैठो ना जिसमें ठंडा नहीं, जिसमें गर्म नहीं, जिसमें बैठेगा तो भूख नहीं लगेगा, जो बैठेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगी, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, जिसमें सुंदर सरोवर है, राज हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, सुंदर फूल खिल रहा है, जैसे चाहोगे विमान वैसे उड़ेगा। अद्भुत उन्होंने विमान सृष्टि की और वो विमान में बैठ करके आकाश में उन्होंने विचरण किया। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी सुंदर सुंदर उनको नौ बेटी, करद ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गए कि नौ नौ कन्या तुम्हारी हो गई। बोले नहीं अभी तो भगवान बोले ना बेटे बन करके आएंगे, अभी ठाकुर तो बेटे ही बने नहीं। खैर उन्होंने पति की सेवा की तो भगवान संतुष्ट होकर के श्री कपिल बन करके भगवान जी जन्म लेते हैं। बोले श्री कपिल भगवान कोई जयकार नहीं दे रहे, एकादशी कल आज थोड़ी है, जोर से बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान स्वयं बेटे बन करके आए, देखो घर में, लेकिन उन्होंने वरदान मांगा था ठाकुर जी तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में घर में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अगर घर में बेटी जन्म हो, पिता माता का पहला कर्तव्य क्या है, बेटी की सबसे पहले शादी, सबसे पहले बेटी की शादी करवाए। आप लोगों ने बेटियों को शादी दिया है, कौन कौन बेटियों को शादी दिया है, हाथ उठाओ तो देखना। जब एक बेटी को आप शादी देते हो ना, दिया है ना बेटी को, देखना एक बेटी को शादी दो तो घर खाली हो जाएगा। लेकिन जिनकी घर में नौ नौ बेटी हो बताओ कितना कठिन होगा। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं अगर आप भगवान की भक्ति करने की चाहोगे ना, प्रभु की भजन करने के लिए चाहोगे, कितना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहे हैं। अगर आप हृदय से प्रभु की भक्ति करने चाहोगे ठाकुर सब कर देते हैं। आप लोग नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे, ये दिन रात भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था। लेकिन घर में बेटी, अभी बेटी जवान, अभी बेटी को शादी कौन करवाएगा, तो दिन अति भजन करता है। भगवान स्वयं बांके बिहारी सांवरिया से बन करके जाते हैं और ऐसे शादी करवाते हैं ठाकुर जी, अरब खरब पति भी शादी नहीं करा सकता। इसलिए ये भक्ति करते हैं। एक दिन पितामह ब्रह्मा जी इनके नौ बेटे को लेकर के आए कर्दम ऋषि मिलने के लिए, कहते इनके पास में नौ बेटे और इनके पास में नौ बेटी, देखा भैया जोड़ी बड़ी तो प्यारी है।
बोले भैया शुभम शुभ्रम शुभ काल के लिए जल्दी जल्दी करते हैं। एक साथ में 9 बेटियों को शादी दे दिया, पूरा घर खाली। अभी घर में 3 बेटी रह गए। अभी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया ठाकुर तो तुम्हारी घर में बैठे हैं और तू भजन करने के लिए किसमें जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर घर में भगवान है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना, भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति के बगैर अगर भगवान भी यहाँ पर आ जाए ना, हमारे कुछ नहीं होगा। जैसे रावण, रावण ने राम को देखा कि नहीं बताओ, बोला रावण ने राम को देखा कि नहीं, लेकिन उसने किया क्या बताओ, सीता को तो पहले उठा कर ले गया। फिर भगवान राम को साथ में युद्ध किया कि नहीं। मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं, देखा है ना, लक्ष्मण को पर शक्तिशेल प्रयोग किए, शक्तिशेल, और भगवान को नाग खास बंधन में बांध दिया। यहाँ कंस ने भी कृष्ण को देखा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कारण क्या, बोले कारण है जब तक हृदय में तुम्हारी भक्ति नहीं हो, अगर भगवान दर्शन दे देंगे तो हमारी कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए पहले भक्ति प्राप्त करो। बोले भक्ति मिलेगा कैसे, बोले भक्ति करने से, भक्ति करने से भक्ति मिलेगा। इसलिए श्री कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। घर में माँ और बेटी रह गए। माँ को पता है मेरे बेटा ये भगवान है। एक दिन माँ स्वयं आकर के बेटे को सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी पिया रही, कभी बेटा में, कभी बेटी में, कभी संसार में, कभी पुरुषों को जितना चिंता है ना, माताओं को ज्यादा चिंता कर दिए, क्योंकि वही घर गृहस्थी को संभालने वाले वही है। इसलिए मन बड़ा चंचल है बेटा, बताओ ये चंचल मन को भगवान की भक्ति में कैसे लगाऊं। भगवान निकले, माँ अगर तुम ये मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हो, कितना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे करा भजन करो। कभी ये चंचल मन को केवल एक उपाय है, कहते संतों का तुम संग करो। बोले सतान प्रसंगात मम वीर संविदो भवंती हृत कर्म रसायन तथा ताजो सना आसो अपवर्ग वर्तमने श्रद्धार्यति भक्ति अनोक्रमिष्यति। बोले माँ जब तुम संतों का संग करोगे ना, वो जो भगवान की कथा बोलते हैं बड़ा ब्रिजवान बड़ा बलवान कथा माँ, जब वो कथा को सुनोगे, कथा को सुनते 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 धीरे धीरे जिनकी कथा सुनोगे उनका प्रति धीरे 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 प्रेम बढ़ते जाएगा, फिर श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति प्रकट होगी। अगर तुम संतों के संग करोगे, बोले आ पा वर्ग वर्तमनी, पा वर्ग मतलब होता है पा फा ब ध और म। अब हिंदी पढ़ेगी नहीं, हिंदी पढ़ेंगे ना, उसमें आता ना कच्चा डब वो खच्चा डब वो गज डब वो, ये जो प वर्ग है ये प फ ब भ म, ये जो प मतलब होता है परिश्रम, बोले भ मतलब होता है फेर बा झांक, बोले ब ब मतलब होता है व्यर्थता, बोले भ भ मतलब होता है भय, अरे म मतलब होता है मृत्यु। बोले माँ अगर संतों का संग करोगे ना, ये जो पांच चीज तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, मतलब जन्म मृत्यु चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के तुम भगवान को पास में पहुंच जाओगे। इतने माँ फिर प्रश्न करती हूँ, बोले बेटा बता दिया संतों का संग करो, लेकिन संतों का तो चिन्ह भी तो होनी चाहिए। देखो ध्यान देख रहे संतों, ये स्वयं भगवान, ये माँ प्रश्न कर रही है और भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। कभी कभी हम गलत जगह पर फंस जाते हैं, असंत को कभी कभी संत मान बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को माँ प्रश्न कर करके भगवान स्वयं कहते हैं, बोले माँ उनके अंदर में 26 गुण होता है, बोले बताओ क्या क्या है, बोले तिथिक सब कारुणिक सुहृद सर्प दहिना अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। इनका पहला लक्षण होता है तित्तिक सब। तित्तिक सब मतलब होता है सहन करना। देखो ये सहन ऐसे की चीज है ना, कहते जो सहे सो रहे और जो ना सहे और ना सहे।
इसलिए सहन करना ये संतों का सबसे पहला लक्षण। घर गृहस्थी हो संत का भी जीवन में हो, अगर बात बात पर क्रोध आता है, बात बात पर फिर तुम उसके भक्ति कैसे करोगे अगर इतना क्रोध आएगा। इसलिए भक्त करना तो पहले सहन शक्ति सीखनी चाहिए। देखो हमारी संप्रदाय में एक संत भी है जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर, ये ब्रह्मा प्रह्लाद का अवतार। ये दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो बड़े जोर जोर से करते थे। एक बार मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। एक समय एक मुसलमान ने उनको प्रश्न किया, अरे भैया मैंने सुना भजन मन मन में करते हैं, तू तो चिल्ला चिल्ला कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्या दुनिया को सुना रहे हो? देखो वो क्या उत्तर देता है। बोले देखो तुम ही बताओ, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है, एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाते हैं, बताओ दोनों में बड़े कौन है? बोले भैया जो कमा करके पूरा परिवार को भरण पोषण करता है। बोले उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में भजन करता है ना वो अपना कल्याण करता है, लेकिन जो जोर जोर से ठाकुर का नाम लेता है जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधा जानवर ये भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हम जोर जोर से हरि नाम करते हैं, जब इनकी कानों में भगवान के नाम पड़ता है ना, जब इनकी कानों में ठाकुर का नाम पड़ता है इनका भी कल्याण होता है। इसलिए मन मन में हरि नाम करने से जितना लाभदायी जो जोर जोर से हरि नाम करते हैं तो 100 गुना ज्यादा उसका लाभ है। हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे कोई एक पत्थर उठा, ये पत्थर को पानी में फेंको, पानी में फेंको तो उसमें क्या होगा, लहरी आएगी, फिर 2 बार लहरी आएगी, 3 बार लहरी आएगी। फिर उसी तरह जब हम जोर जोर से हरि नाम करते हैं, ये नाम का शब्द जितने दूर तक जाए, जितने दूर तक पड़कर नाम जाए, उतना दूर तक दुर्भिक्ष महामारी दुख कष्ट सब दूर हो जाता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए सबके सब और एक बार जोर करके बोलो, देखो कितने भक्त लोग बैठे हुए, इसकी आवाज जितने दूर तक जाएगी सारे गंदे सारे उल्टा पुलटा चीज दूर चल जाएगी। जोर से एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 मुसलमान कुल में जन्म था। एक दिन उसका जो राजा बोले, तुम इतने भाग्य से तुम मुसलमान घर में जन्म हुए हो, हम हिंदुओं का छाया स्पर्श करने से स्नान करते हैं, हम ये हिंदुओं का वाणी हरे कृष्ण क्यों बोलते हो? उसने कहा देखो भगवान दो नहीं भगवान एक है, कोई उसको अल्लाह कोई गॉड कोई भगवान कहते हैं। भैया मेरे को तो भगवान का कृष्ण का राम का नाम अच्छा लगता है, इसलिए बोलता हूँ। खबरदार अगर ये हरे कृष्ण नाम लोगे ना, उसमें 22 मार्केट था, 22 मार्केट में ऐसे पिटाई होगी सारा दुनिया को पता चलेगा जो मुसलमान होकर के हिंदू धर्म जाने गए तो उसका क्या दंड मिलता है। उसने कहा भैया मेरे शरीर को अगर तू बोटी बोटी कर काट डालोगे ना, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। 5-6 सिपाही को लगा दिया, बोले इसको बाजार में घुमा घुमा करके ऐसे मारो सारे मुसलमान को पता चल जाए। 5-6 सिपाही कोड़े लेकर के ऐसे मार रहे थे उसको, लेकिन जितने जोर से उसको पिटाई हो रही थी ना, वो उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इतने में वैकुंठ से साक्षात भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए। क्यों?
अगर किसी भक्तों को फिर अत्याचार होना भगवान सहन नहीं कर सकते, चक्र लेकर काबू आ गया, अरे इनको सबके सब मैं ध्वंस कर डालूंगा। लेकिन देखो संत का हृदय कितना महान, कितना संत हृदय नवनीत समान, वो इतने दयालु इतने कृपालु, कभी इनके अंदर में क्रोध नहीं आई। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी ये अज्ञानी मूर्ख है, हम इनके अपराध को माफ कर दो, इनके अपराध को माफ कर दो। ठाकुर जी ने देखा मैं चक्र लेकर के वैकुंठ से आ गया और ये इनकी कल्याण सोच रहा है। ठाकुर जी ने किया कि उसको पीठ के ऊपर पीठ लगा दी और जितने पीटाई हुई ना सबके सब ठाकुर को फिर बना, ठाकुर जी को प्रबंध बना। इसलिए कहते हैं जो भक्ति करने वाले के अंदर में पहला जो गुण ये सहन शक्ति होनी चाहिए, तितिक्षा है, बोले दूसरा गुण बोले कारणिक, कारणिक मतलब बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले सुहित सर्व कही नाम, वो क्या मानते हैं, बोले वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी में जितने जीव है हम सबके सब एक पिता का ही संतान है, हम सबके सब एक परिवार है। इसलिए इनके अंदर में से 26 गुण होता है, लेकिन उसका अंदर में एक विशेष गुण है। बोले क्या विशेष गुण, देखो ये चीज को ध्यान से देखो, ये भगवान कहते हैं बोले मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्दंती बिना, कहते जो भक्त होता है मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्दंती, वो एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, वो सारा देवाधिदेव पूजा नहीं करते। जैसे मीरा, मीरा नाम है सुने कि नहीं, इसका भक्ति किसको भक्ति करती थी, कितना मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरे में थे। गोपियां क्या कहती थी, उद्धव मन ना भयो दशदी, एक मन सो गए श्याम सभी को आराधकी। हनुमान किसको पूजा करते थे बोलो, बोलो किसको पूजा करते थे, एक तुलसीदास किसको पूजा करते थे, राम को। सबरी किसको पूजा करती थी, कृष्ण को। जितने भक्तों का नाम तुम उठा करके देख लेना, देखना एकनिष्ठ होकर के एक को भक्ति करते थे। जो बहुनिष्ठ होते हैं बीच में फेल हो जाओगे, दो नाव में प्यार रहोगे ना फिर गिर जाओगे। इसलिए भक्ति एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। हिंदी समझती हो, कौन कौन हिंदी समझते हो, जब ये प्यार मतलब एक साधे और सब साधे सब जाए। जो एकनिष्ठ होकर के एक को भक्ति करते हैं उसको तो सब कुछ हो जाती है, और जो सारा दुनिया को पूजा करती हैं तो उसका सब जाए, सब चला जाता है। इसलिए भैया मन हमारी एक है, मन दो है ही नहीं, ये मन को किसी एक को दे सकते हो, सबको नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति एक पति व्रता नारी की धर्म है, इसकी धर्म है पति व्रता नारी की धर्म, ये भक्ति धर्म है। सबको सम्मान तो करो, असन्मान भी किसको मत करो, लेकिन अपना हृदय में ना कृष्ण को हो। अगर कृष्ण भक्ति अगर किसी संतों से मंत्र मिला कृष्ण को एकनिष्ठ से भक्ति करो, अगर किसको राम की भक्ति मिली राम को एकनिष्ठ होकर के भक्ति करो, सबको सम्मान करो, लेकिन अपना हृदय में एक को बैठा। जैसे कोई पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, जो अपना पति में ही अपना मन को अपना पति में ही लगा करके रखती है, दूसरे पुरुष में नहीं, वो अपना पति को ही पूजा करती, पति को मन प्राण जो पति को दिए। इसे भगवान स्वयं कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति को भक्ति जो दृढ़ा, जो दृढ़ पूर्वक एकांत रूप में मेरी जो भक्ति करते हैं। उन्होंने सारे संतों को वर्णना, उन्होंने बोले माँ संतों की संगत तुम करते रहो, संत संग से कल्याण होगी। बोले माँ मातृ गर्भ में जब उसको 7 महीना हो जाता है, उनको 1000 जन्म की बात याद आता है, उसी समय भगवान को पुकारता प्रभु ये नरक से मेरे को निकाल दो। भगवान कहते बताओ अभी तुम करोगे क्या, बोले एक बार अगर निकाल दोगे ना उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, ये झूठे माया में मैं कभी फंसूंगा नहीं। बोले सही बोल रहे हो ना, कष्ट पाके तो तू बोल रहे हो। बोले ठाकुर जी मैं कसम खाता हूँ ये माया में कभी फंसूंगा नहीं। लेकिन भगवान ने क्या बताए थे, बोले तेरे को बीच बीच में मैं वार्निंग दूंगा,
पहला बार नहीं किया है, बोलो पहला बार नहीं किया है, जब एक बाल पक जा रही है खास तैयार नहीं है, ऊपर से आप ऊपर से बैल पड़ गया भैया ऊपर जाने का समय हो गया, लेकिन जब एक बाल पक जाएगा फिर एक बाल को उखाड़ देते हैं, दो बाल पक जाए दो को भी उखाड़ देते हैं, तीन बाल उखाड़ देते हैं, जब खिचड़ी बन जाता है फिर मेहंदी लगाकर कलर कर देते हैं, जैसे थोड़ी हम बुरा बोलिए पर कुछ भी नहीं हुआ, भगवान के तो दूसरा बार नहीं भी दूंगा, मैंने किया बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगी, बड़ी चश्मे लगाते हैं, तीसरा बार नहीं भी दूंगा बोले किया बोले एक एक कर दांत टूटना टूटना शुरू हो जाएगा, फिर डेंटिस्ट के पास मेरे नया दांत दांत लगाते हैं, बोले चौथा बार नहीं भी दूंगा बोले दो पैर से तीन पैर हो जाएगी, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, भगवान कहते ये मेरी वार्निंग है, लेकिन उसका वार्निंग को हम सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको तैयार नहीं, भगवान कहते मैं देखो ठीक की वार्निंग नहीं देता हूँ, कहते राम नाम सत्य कर देते हैं। जब एक व्यक्ति को शरीर छोड़ता है बिना चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते कि नहीं, उसको बांध देते हैं अच्छे तरह से, हाथ को पैर को बांध देते हैं, लेकिन उसका सर को पास में एक तकिया लगा देते हैं, तकिया लगा देते हैं, पहले सर को नहीं बांधते हैं और हाथ पैर सबको बांध देते हैं, और उसको कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, बोले बेटा जीवन में जितने राम का नाम और कृष्ण का नाम लिया अभी तेरे साथ में ही जा रहा है और सब एक छोड़ करके जा रहे हैं, तभी भी उसको बोलते भैया अभी भी तो एक बार तू कृष्ण कृष्ण राम राम बोल, अभी तो तू राम राम कृष्ण कृष्ण बोल का सर में तो तकिया लगा हुआ रहता है, हाथ पैर बंधा हुआ होता है, आप लोग देखना उसका जो सर है ना ऐसे 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 दिखता है, बोले अरे अभी तो राम नाम बोल, बोले नहीं अभी भी नहीं बोलूंगा, अभी भी राम का नाम कृष्ण का नाम नहीं बोलूंगा, इसलिए सर ऐसे 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 लुढ़कता रहता है, हैं लुढ़कता रहता है, बोले अभी भी राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं, बोले बोले नहीं लच्चा लग करके दिखाते हैं, फिर चिता से जाते हैं, चिता से जाकर लेटा देते हैं, बोले अभी तो तू बोल, बोले अभी भी नहीं बोलूंगा, बोले अभी भी नहीं बोलोगे अभी तेरे को दिखाता हूँ, अरे बच्चा क्या करता है मुखाग्नि देता है, मुख में आग देता है ना, उसको मुंह में क्यों आग देते हो पता है आपको, बोले भगवान तेरे को मुंह दिया था भगवान के नाम जप करने के लिए, लेकिन तैने प्रभु का नाम जप नहीं किया, दुनिया की सारे बात तू बताए, दिन भर बकबक बकबक करके रहा, इसलिए तेरे मुंह में हम आग देते हैं, जिस मुंह में तुमने प्रभु का नाम नहीं किया इसलिए उसका मुंह में आग देते हैं, लेकिन हमारी भक्ति जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं, उसका चरण में आग देते हैं, हमारे संत जब संत उसमें मुंह में आग नहीं देते हैं, उसका चरण में आग, बोले क्यों, बोले जिसने जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया अग्नि देवता है, ये अग्नि भी तेरे चरणों को पूजा करेगा, ये अग्नि भी तेरे चरणों को प्रणाम करता है, बोले क्यों, बोले तुमने ये जीवन पा करके सारा जीवन तुमने भगवान के नाम जप किया है, इसलिए वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते, ये आग देना की गाली है, ये गाली है, इसलिए मुंह में आग दी जाती है, इसलिए भगवान कहते माँ अगर ये जीवन में भजन नहीं किया फिर उसको मरने का बाद फिर जंतु तो आकर के उसको पकड़ करके ले जाते हैं, अब लोग मरने का बाद एक गरुड़ पुराण पढ़ाई होता है, आप लोगों ने सुने हो गरुड़ पुराण, मरने का बाद कौन कौन गरुड़ पुराण सुने हो हाथ उठाओ, तो देखो देखना मरने का बाद 13 दिन बाद में ये शुद्धि क्रिया होता है, बोले ये 13 दिन बाद में ये शुद्धि क्रिया क्यों होता है, बोले उसको पार करने के लिए वो एक बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, जो बैतरणी नदी केवल टाटी पेशाब खून पीता होता है और उसको कोड़े मार मार करके उसको बैतरणी नदी पार करवाते हैं, इसलिए आप लोग देखे होंगे जो व्यक्ति बहुत कष्ट पा करके मरता है कहते भैया ये बड़ा कष्ट पा करके मरा है बड़ा पापी है, इसका नाम पर गोदान कर दो ये गैया की पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी पार हो जाएगी, बोलते हैं ना, बोले भैया ये जो टाटी पेशाब खून पीता ये नदी 13 दिन लगता है पार करने के लिए, इसलिए 13 दिन बाद में ये शुद्धि क्रिया होता है, बोले भैया किसको ये बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, बोले उन्हीं को करना पड़ता है जिन्होंने ये मुंह में ठाकुर का नाम नहीं जप किया, गले में तुलसी की कंठी नहीं पहना,
जिसने ये तिलक धारण नहीं किया ना उनको ही ये बैतर नदी पार करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी ललाट में तिलक होगा, जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण कर दिया हुआ होगा, उसको कभी ये बैतर नदी कभी वो पार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए जब महाराज जम दूतों को कहते हैं, बोले जम दूतों जो भजन नहीं करता है उसको पकड़ पकड़ करके ले आना। बोले भैया कुछ लक्षण से बता दो, कौन भक्ति करता नहीं करता कुछ लक्षण बता दो। देखो जम महाराज खुद कहते हैं, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। तो भक्तों का तीन चिन्ह होता है, एक तो गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, हैं तो जिसको गले में तुलसी की कंठी समझ जाना ये ठाकुर का चरण चरण को आश्रय लिया है। मैंने पहले बताया ना, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के कुत्ते होते हैं, बोले कितने तरह के कुत्ते होते हैं, दो तरह के, एक है पालतू और एक है फालतू। कभी जो पालतू कुत्ते हैं देखना उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर की कुत्ते हैं। और देखना जो पालतू नहीं जो फालतू कुत्ते हैं वो बिना पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं, इसलिए एक पालतू कुत्ता है जो फालतू कुत्ता। देखना जो पालतू कुत्ता को तो कोई मारता नहीं और ये फालतू कुत्ते को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है, आप देखना अगर कोई कंठी धारण करता है ना, अपने आप पता चल जाता भैया ये ठाकुर का शरण लिया है, ये भगवान की चरण में आश्रय लिया हुआ है। इसलिए देखना रोड में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, सरकार तरफ से आदेश हो जाता है कि कुत्ते को मार डालो। अगर भूल से किसी पालतू कुत्ते में अगर गोली लग जाए ना, वो फेस हो जाते हैं। इसका मतलब है जिनकी गले में तुलसी कंठी है ना, ये सबके सब भगवान की पालतू है। और जिनकी गले में कंठी नहीं वो कौन है, बोलो जोर से, फालतू है। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, हमें ठाकुर जी की पालतू बना, ठाकुर जी की पालतू बनना तो ठाकुर जी की ही पालतू बना। ये जम स्वयं के भी श्लोक है। इसलिए गठी तिलक और भगवान की माला जरूर हमारे पास होनी चाहिए। देखो ध्यान देकर सुनो, हम हिंदू ना मुसलमान है बताओ तो, आप लोग बताओ हम लोग हिंदू ना मुसलमान है, हिंदू है। लेकिन हिंदू का तो कुछ चिन्ह होनी चाहिए ना, हिंदू का क्या चिन्ह, चोटी होनी चाहिए, कंठी होनी चाहिए, तिलक होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, ये हिंदुओं का लक्षण है। कंठी माला तिलक हिंदुओं का लक्षण है। अगर हम हिंदू है, अगर हम अभिमान करते हैं हम हिंदू है, फिर ये चीज को धारण करो, ये चीज को हमें धारण करनी चाहिए। इसलिए कहते माँ कहते, अगर वो व्यक्ति चंडाल कुल में, चंडाल किसको कहते हैं, बोले जो कुत्ते का जो मांस खाते हैं उसको चंडाल कहते हैं। कहते माँ अगर वो व्यक्ति चंडाल कुल में क्यों जन्म ग्रहण नहीं किया हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करता है माँ वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया, बोले माँ अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए माँ ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने माँ को ज्ञान दी और भगवान चले गए। बोले कहाँ चले गए, बोले गंगा सागर चले गए। साल में एक बार गंगा सागर गए है, कौन कौन गंगा सागर गए है, हाँ तो कहा कौन कौन गंगा सागर गए। देखना मकर संक्रांति का दिन वो अपनी आप वो पानी नीचे उतर कर जा जाते हैं, और साल में एक बार भगवान कपिल देव का दर्शन मिलता है। बोले श्री कपिल भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भजन सुन अरे सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाले, बजाओ 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 राधा नाम की तर, बजाओ राधा, बजाओ राधा नाम की।
यदि किसी मोहल्ले में कुछ लोगों को बीड़ी पीना सुना देता है क्या होगा, लाइट चलेगी। अरे बैठ रहे हैं तो उधर तो मेरे कहने का मतलब ये था, जब एक गंदा आदमी 10 लोगों को बुरी आदत लगा सकता है, तो आप लोग अकेले माता जी घर ही, माता जी का साथ देने के लिए घर ही नहीं हो सकते, अच्छे काम में घर ही नहीं हो सकते, आपको बार बार बोलना पड़ता है। बजाओ 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 Sridhar Maharaj, 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 Sridhar
साउंड चालू करवा बाबा साउंड साउंड बात बताई आपसे जल गई क्योंकि आप लोग आने वहां है वो लोग चुपचाप बैठे आपसे जल गई Sridhar Maharaj
I'm gonna make you mine.
जय श्री राम। महाराज के जो जो बेटे थे एक का नाम था उधान पाल, कहते इनकी दो पत्नियां थी, बड़ी पत्नी का नाम था थी सुमिति और छोटी पत्नी का नाम थी सुरुचि। जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम थी सुमिति। सुमिति का मतलब क्या है? बोले जिसकी नीति अच्छी थी। जगत में तरह तरह का नीति है, एक कूट नीति है, एक चाणक्य नीति है, एक विदुर नीति है। कहते सारे नीतियों में कहते सर्वश्रेष्ठ नीति क्या है? बोले विदुर नीति। ये जो विदुर है, अब बाहर अगर भारत देखे होंगे, ये विदुर ये था दासी पुत्र, लेकिन होने पर भी ये हर समय धर्म का रास्ता देखा। उन्होंने धर्म का मार्ग हर समय उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया, लेकिन कभी उन्होंने दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। इसलिए धर्म को पत्थर लेने का नाते लास्ट में उनको ये मंत्री पद भी त्याग करना पड़ा, लेकिन अपना धर्म को भी उसने त्याग कर दिया। इसलिए एक्चुअली भगवान ने क्या किया, कहते दुर्योधन को मेवा त्यागे और साग विदुर घरे खाए और सबसे बड़ी ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए अगर जीवन में कोई सुनीति को अगर अपनाएगा तो उसको बेटा कौन होगा? बोले ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या? सत्य, वास्तव, शाश्वत है। कहते सुरुचि, सुरुचि मतलब क्या? बोले स्वस्य रुचि, अपना मन माने ढंग से जो चलते हैं, जो शास्त्र का कोई नियम को जो फॉलो नहीं करते हैं, अपना मन मानी ढंग से जो चलने वाले हैं, यदि सुरुचि। इसका बेटा कौन हुआ है? बल्कि इनका बेटा हुआ उत्तम। बोले भैया जो मनमानी ढंग से चलता है उसको उत्तम के अधम होनी चाहिए। नहीं, जो अपनी मनमानी ढंग से चलती है ना वो करती तो उल्टा पुल्टा, लेकिन सोचती है मैं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन इसका फल क्या हुआ? इसका बेटा तो हुआ उत्तम, लेकिन ये जब जंगल में गया इतने में गंधर्व बने आए और युद्ध करके उसको समाप्त कर दिया। और शुरू की अपना बेटे को ढूंढने के लिए गई और चारी तरफ में लग गई आग, और आग में ही वो स्वाहा हो गई। मतलब है जो व्यक्ति अपना मनमानी ढंग से चलेगा जीवन में कभी बड़े ही नहीं हो सकता है, बड़ी नहीं हो सकता है। इसलिए राजा ने का पहला पत्नी थी सुनुति। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। पहला जो रानी थी उसका नाम थी सुनीति। राजा ने जब दूसरी पत्नी शादी की सुरुचि, अभी घर में जब सुरुचि आई ना, अरे महाराज तभी तुम्हारी घर में मैं रहूंगी अगर ये सुनीति को अगर पहले निकालोगे, नहीं तो तुम्हारी घर में मैं नहीं रहूंगी। इसका मतलब क्या है? घर में अगर कोई भक्ति करने वाले हो, भजन करने वाले हो, जो जीवन में अच्छी नीति को अपनाती है, अगर कोई मनमानी ढंग से चलने वाले आए ना, बोले ये सब कंठी माला तिलक किया है, भजन भजन किया है, घर में भजन भजन नहीं होगा। घर में दारू मांस मछली ये सब चलनी चाहिए,
समझदारी गंधी जी को पहले ये भक्ति को पहले निकालो, भक्ति को पहले निकालो। अभी ना ये नई नई रानी है ना, इसलिए पहले पत्नी कैसे लगती है, पहले पत्नी लगती है सूर्य, पहले लगती है चंद्रमुखी है। मैं तो सोचते हैं एक चंद्रमा तो आकाश में और एक चंद्रमा मेरे पास में, लेकिन कुछ दिन बाद में वही चंद्रमुखी फिर हो जाती है सूर्यमुखी हो जाती है, फिर वही सूर्यमुखी कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी परिवर्तन हो जाती है, फिर घर में लड़ाई झगड़ा एक दो फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए अभी नई नई आई ना है, ये नई नई आई है। अभी राजा इसकी बात सुन करके क्या करता है, ये स्मृति को घर से निकाल देते हैं। और एक भी उत्तम बैठा हुआ था गोद में, अभी ध्रुवो जी का भी इच्छा हुआ भैया मैं भी पिताजी का गोद में एक बार बैठूं, लेकिन जब बैठने के लिए गया इतने में सूरज ने बोला खबरदार, अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो पहले भगवान की भजन करके ये शरीर छोड़, और मेरे कोख से जन्म ले तो पिताजी का गोद में बैठ सकते हो। ये अभागिनी सुनीत की गोद में जन्म लेने पर पिताजी गोद में बैठ नहीं सकते हो, लेकिन ध्रुव तक क्षत्रिय है वो कहाँ सहन कर सकता है। लेकिन उसने रो रो करके पिताजी माता जी के पास में गया, लेकिन देखो ये सुनीत है ना वो अच्छी लिखी है अपनाने वाली, वो बोल सकती थी नहीं तू बड़ा बेटा तेरा हक है कि राज सिंहासन में तू विद्रोह करना शुरू कर दो। उसने ये बात नहीं बताई, उसने कहा देख बेटा तेरी जो छोटी मैया ने एक अच्छी बात नहीं बताई। बोले क्या बोली, बोले भगवान की भजन कर ये जो बात बताई अच्छी बात बताई। देख बेटा ये पिता कब तक रहेंगे और ये राज सुमित ने बोले देख बेटा ये कब तक राज्य रहेगा तब तक तेरे पिताजी रहेंगे, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो, बैठोगे तो बैठे रह जाओगे कभी उतर बनेंगे। ये पिता तुम्हें कितना प्यार प्रेम देगा, ऐसे पिताजी की गोद में बैठो इससे जो करोड़ गुण तुम्हें प्यार प्रेम दे सकता है। बोले माँ ये कौन है, बोले ये पद्म कला से लेकर श्रीहरी, बोले मिलेंगे कैसे, बोले बेटा बड़ा कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे को तो आशीर्वाद है, मेरे को तो आशीर्वाद है, देख मैं एक दिन जरूर तेरे को राजमाता बनाऊंगा और एक दिन मैं स्वयं राजा बनूंगा। उसने अपना माँ की चरण स्पर्श किए और माँ की उसने परिक्रमा करते हुए उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। देखो ध्यान देकर सुना, अगर कोई पिता माता का कोई आशीर्वाद लेना इसमें बड़ा महत्व है। अगर माँ अगर हृदय से है, अगर माँ अगर हृदय से किसी बच्चे को आशीर्वाद देती है जरूर वो फलता फूलेगा, जरूर वो फलता फूलेगा। इसलिए ठाकुर जी क्या करते थे, सवेरे उठ करके प्रात उठ आई रघुनाथा और क्या करते थे, बोले नाथ पीत गुरु नमय नाथा। इसलिए भगवान सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं। अगर पिता माता की सेवा नहीं करोगे, सारा दुनिया की सेवा कर रहे हो, घर में भैया को भोगी नहीं करोगे,
अपने मैया को भूख नहीं देने जा रहे हो, सारा दुनिया को खिला रहे हो, फिर उसमें क्या लाभ होता है ना? अगर पिता माता की तुम्हें सेवा नहीं करोगे तो देखो जितने बहू ने अच्छे तरीके से सुना, एक दिन हम भी सांस बनने वाले, ये चीज को याद रखनी चाहिए। हम जैसे अपना सांस, हम जैसे अपना ससुर की सेवा करेंगे, एक दिन जब हम भी सास ससुर बनेंगे, हमारे भी बहू हमें ऐसे ही प्यार देगी। अगर हम स्वयं सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, फिर हमारी बहू हमें कभी प्यार दे सकती है? ये चीज तो हर बहुओं को सोचनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए देखो, उसने माँ की आशीर्वाद ली, माँ को परिक्रमा दी, माँ की चरण छू, देखो माँ की आशीर्वाद कितना बड़ा महत्व है। उसने भजन करने के लिए गया और भगवान को पाने के लिए इतनी उतावला हो गया, इतना उतावला हो गया, भगवान के आसन भी हिल गई, भगवान बड़े चंचल हो रहे थे। माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही थी, बोले ठाकुर जी प्रभु जी आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले कि छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, वो मेरे को पाने के लिए पागल हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना दर्शन दो। बोले देखो लक्ष्मी, अभी तक उसने गुरु नहीं ग्रहण किया है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोले प्रथम तो गुरु भुज्यम ततश्चैव ममार्चनम पूर्वं सिद्धि माप्नोति जन्यथा निष्फलम रवे। भगवान खुद कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? बोले प्रथम तो गुरु भुज्यम, पहले गुरु जी के चरण की पूजा करो, उसको बाद में गुरु मेरी पूजा करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, गुरु गोविंद गौ करे सात लाग पाए बनी हरि श्री गुरु जी के गोविंद ये बताए। इसलिए पहले गुरु जी की पूजा, उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। बोले देखो लक्ष्मी, अभी उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, मैं स्वयं बताए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भवन भी तरल न कोई जो ब्रिंच शंकर सम हुई, कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए। अगर कोई जीवन में सदगुरु नहीं ग्रहण किया तो कहते भैया वो भव सागर से वो पार नहीं हो सकता है। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ध्यान से सुनो। कल एक समय एक संत किसी भक्तों को घर में जाकर के कथा कर रहा था। कथा करते करते उसने बताया, देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन उसके घर में एक पिंजरा में एक तोता रहता था। इतने में तोता ने बोल पड़ा, बोले बाबा चुप रहो, ऐसे झूठ मूठ का बात क्यों करते हो? बोले भैया कौन सा झूठ मूठ बात है? बोले अभी तुमने क्या बताया, भगवान का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। बोले झूठ क्या है? बोले झूठ नहीं क्या सच है? बोले क्या झूठ है? बोले तू मेरे को देख ले, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ और जो आता है घर में सबको राधे राधे राम राम किसम किसम में बोलता रहता हूँ, लेकिन अभी तक भी ये छोटे से पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली। और ये तू तो ये भवसागर की बात करते हो, तुम तो ये भवसागर की बात करते हो, इतना बड़ी बात है, ऐसे बेकार बात है। उसने कोई उत्तर नहीं दे पाया। अभी वो घर में गया, जा करके ये बात अपना गुरु जी को बतावे, गुरु जी मैं वहां पर कथा कर रहा था और कथा करते करते मैंने बताया जो भगवान का नाम लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन उसको घर में के तोता ने मेरे को जवाब दिया, मैं इसको कोई आंसर नहीं दे पाया। गुरु जी ने कहा देख बेटा, कल चलो तू फिर जा करके कल यही बात बताना, तेरे साथ में मैं कल चलूंगा। फिर क्या कर उसने फिर एक ही बात बताया, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम ग्रहण करता है वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इतने में फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर क्यों झूठ मूठ का बात कर रहे हो? इतने में वो गुरुजी भी साथ में गए हुए थे। गुरुजी ने कहा तोते को, बोले भैया झूठ क्या है, तो सच है। बोले आप मेरे को देखो ना, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो आता है सबका राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलता हूँ, देखो ये छोटे से पिंजरे से भी मेरी मुक्ति नहीं मिली, आप तो भवसागर बहुत बड़ी बात करते हो। उसको गुरु जी ने कहा देख बेटा, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है,
चूंकि तुमने किसी सदगुरु से शुद्ध साधु से तुमने नाम ग्रहण नहीं किया। अगर शुद्ध साधु से नाम लेता है ना, जरूर तेरे को मुक्ति मिलती। बोले फिर अभी मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर वो गुरु जी उसको कान में ठाकुर का नाम दे दिया। उसको और एक उपाय बता, बोले देख बेटा जब तक तू ये पिंजरा में बैठी करके राम राम राधे राधे बोलोगे ना, मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले काम करना, जब ये कथा की विश्राम हो जाएगी तुम्हें एक बहाना बनाना। क्या बहाना? जैसे तुम्हारी शरीर छूट गया, जब तुम्हारी शरीर छूट जाएगा तुमको पिंजरा से निकालेंगे। निकाल करके जब अर्थी में लेटा करके ले जाएंगे बस, उसी समय तुम ठहर कर घूम जाएंगे। बढ़िया मंत्र बताया गुरु जी ने। जब ये कथा विश्राम हो गई, वो तोता ने क्या किया, उसने ये बहाना बना करके अपना प्राण जैसे छूट गया, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। सब लोगों ने बोले भैया ये तोते के जरूर मुक्ति मिली गई। देखो भगवान की कथा सुनते सुनते उसने अपना प्राण त्याग दे दिया, इसका जीवन धन्य है। चलो इसकी हम अर्थी निकालते हैं। अभी उसका अर्थी निकाल करके अभी अंदर से तोता को निकाले, अर्थी में लेट आया, सुंदर फूलों की माला पहनाए। और जब उसको ले जा रहे थे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, जब ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता था फर कर उड़ गया। इतने में गुरु जी ने कहा, क्यों तोता जी, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? हाँ, गुरु जी से नाम लेने से ही मुक्ति मिलती है। बास फर के उड़ गए। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी कहती है, बोले प्रभु जाओ दर्शन दो। बोले अभी तक उसने किसी साधु से प्रभु का नाम नहीं लिया। बोले आप इच्छा करने पर सब हो जाता? बोले हाँ हो जाता। तब उन्होंने श्री नारद जी को बुलाए। बोले नारद जी अभी जाओ, जाकर उसको परीक्षा करके उसको मंत्र दे करके आओ। इतने में श्री नारद जी आए, हाँ करके बोले ध्रुव जी तुम क्या कर रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए आया। बोले ये कोई भजन करने का उम्र है? अरे तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं, घर में वापस चल जाओ। ये कोई थोड़ी लड्डू है, बनाया और खा लिया भगवान इतना आसानी, जाओ घर वापस चल जाओ। ध्रुव जी ने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारद है। बोले लगता है आप डुप्लीकेट कोई नारद है। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है नारद जी सबको भक्ति की उपदेश देते हैं, सबको भजने की उपदेश देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो घर में वापस चले जाए। लेकिन अगर सचमुच से आप नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, ठाकुर जी मेरे को जरूर मिलेंगे। बोले क्यों? भगवान खुद कहते हैं प्रसिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना संशय भक्त परिचर्यता। भगवान खुद कहते हैं जो व्यक्ति मेरी डायरेक्ट पूजा करता है, कहते मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ वो मेरे को प्राप्त करेगा। लेकिन जो साधु की आनुगत्य में भजन करता है, मेरी भक्ति को जो भक्त को जो पूजा करता है, भैया मैं गारंटी दे सकता हूँ एक दिन वो जरूर मुझे प्राप्त करेगा। अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मेरे को जल्दी जल्दी मिलने वाले। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते लंका में पहुंचे, जब उनको विभीषण को साथ में साक्षात्कार हुए, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमत लाल है, विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिलई नहीं सकता, जो रघुवरी मैं अनुग्रह दिनी तो मई घर सके दिनी। आज तो मेरे को घर में भगवान राम की कोई बड़ी भारी कृपा हो गई है, मेरे को जरूर भगवान राम मिलने वाले। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले केवल मेरे को आप मंत्र प्रदान करो। तब श्री नारद जी बड़े सुंदर भगवान की वर्णना की, बोले त्रिशल या जमुना में स्नान करना और ये मंत्र को तुम जप करना। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः
भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते को तीन दिन बाद में एक बार खा करके बैठ जाते थे भगवान। दूसरी महीना में छह दिन बाद में जो अपने आप जो पत्ते गिर जाए उसको खा करके भजन किया। और तीसरा महीना में जब भजन करते थे नौ दिन तक उनकी भक्ति मन हृदय में लग जाती थी, आंख में खुलती थी। फिर नौ दिन के बाद में थोड़ी सी पानी पी करके भजन किया। और चौथा महीना में 12 दिन के बाद में एक बार उन्होंने केवल हवा ले रखी थी। और पंचवा महीना में उन्होंने हवा भी बंद कर दिया। और छठवा महीना में अपना प्राण वायु को उन्होंने खींच ली। प्राण वायु को खींचे तो सारा दुनिया का हवा ही बंद हो गया। सारे देवता लोग झगड़ा हो गए, सब के सब भगवान के पास में गए। फिर ठाकुर जी ये ध्रुव कठोर तपस्या करता है और एक प्यार में खड़े होकर के जैसे एक हाथी किसी नाव में पानी प्यार रख ले, जैसे वो नाव डगमगाती है, इनकी ऐसे साधना था कि पृथ्वी भी डगमगाती लगती। बोले प्रभु जल्दी जल्दी जाकर के दर्शन दो। बोले कोई चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कोई कहीं पर श्रद्धा करके जाए ना, कहीं निमंत्रण हो, उसी तरह भगवान की साथ भज करके वैकुंठ से जब आ रहे थे, वैकुंठ वासियों ने पूछा ठाकुर जी आप कहाँ जा रहे हैं। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले मैं ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ। मतलब है अगर हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगा, ये भक्ति का एक विशेष गुण है, वो भगवान को भी बोलो को बेटा वृंदावन बिहारी लाल की। ये भक्ति भगवान कभी खेच करके वैकुंठ से ले आती है। भगवान एक बार आए उसका हृदय में दर्शन दे करके फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर तो ध्रुव जी छटपट छटपट करने लग गए। जब उन्होंने आंख खोले देखा ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को दर्शन जब किए जीवन धन्य हो गया। ठाकुर जी बोले ध्रुव जी मेरे से भर मांग बैठा। बोले ठाकुर जी अगर आप देना चाहते हो हमें संतों का संग प्रदान करो। भगवान ने बोले जब मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दे दिया फिर ये संतों की संग क्यों मांग रहे हो। देखो साधु संत की कितने महिमा। बोले ठाकुर जी इसलिए आज आपका दर्शन मिला है, ये नारद जी की कृपा हुई है, तभी हमें मिला है। आपका आपका कथा सुनाओगे नहीं, आपकी कथा तो आपको संत लोग ही सुनाएंगे। इसलिए अगर आपकी संतों की संग होगी, आपकी अगर हम कथा सुनते रहेंगे तो ये मन अपने आप भजन में लगा रहेगा। इसलिए प्रभु जी हमें संतों की संग प्रदान करो। बोले ठीक है बेटा संत की संग मिल जाएगा, लेकिन तू अपना लिए कुछ चीज मार लिया, नहीं तो दुनिया बोलेगा देखो इतना छोटा सा बच्चा इतना कठोर तपस्या की, ठाकुर को तो दिए भी ठाकुर जी, बताओ अपना लिए कुछ मांगो। बोले ठाकुर जी हमें केवल आपकी चरण की सेवा आपका भक्ति प्रदान करो और किसी चीज की जरूरत नहीं।
भगवान का ठीक है ध्रुव जी, मैं अपना कर्म से तेरे को दे रहा हूँ। जैसे मेरा वैकुंठ लोक है, तेरे लिए भी एक नया वैकुंठ बनाऊंगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तेरे को दुनिया याद करते रहेंगे, और ये पृथ्वी के ऊपर में तुम तिब्बत 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में राज्य को करो। भगवान उसको आशीर्वाद दे दिया। देखो अभी भी हम ध्रुव तारा को याद करते कि नहीं? आकाश में जो सबसे बड़ा तारा जो जगमगा साइकिल को कौन है? कहते ध्रुव तारा है। ये ध्रुव महाराज कब से आए बताओ? ये ध्रुव महाराज कब आए थे? सत्य युग में। सत्य युग कितना साल हो गया? कितना लाख साल हो गया सत्य युग बीता, लेकिन अभी भी हम ध्रुव जी को याद करते हैं, उसकी कथा सुनते हैं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं। देखो अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हो ना, हीरो हीरोइन बन करके बा कोई नेता बन करके बड़ा मत बनो। नेता की गला में देखना कभी फूलों की माला और कभी जूते की माला और कभी गोली हो, ये सब चीज उनको मिलती है। लेकिन देखो हनुमान जी का नाम देखो, तुलसीदास जी को देखो, ध्रुव महाराज जी को देखो, प्रहलाद महाराज जी को देखो, कहते भैया हमें हीरो बनना है ना, भगवान के भक्त बन करके एक बार हीरो बन जाओ। हीरोइन बनना तो मीरा जैसे बन करके, गोपी जैसे बन करके हीरोइन बन जाओ। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम जगत में अमरत्व की प्राप्त करेगी। इसलिए ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राजत्व की निष्कंटक रूप में, जब इनको समय पूरी हो गई वैकुंठ से रथ है। अभी ध्रुव महाराज भजन में बैठे हुए थे, बोले रथ में बैठो और वैकुंठ में चलो। जब ध्रुव महाराज रथ में बैठने जा रहे थे, देखो तो बोले एक ही भक्त हुए हैं जगत में, जितने भक्त हुए ना, इसको बच्चे किसके खेल रहे हैं? अपना अपना बच्चों के पास में रहता, यहाँ पर कोई है कि नहीं कि बच्चों का कोई माता है? ये बच्चों का अपना अपना पास में रहता। इसलिए केवल एक ध्रुव महाराज हुए हैं, सबके सब ये शरीर छोड़े हैं, लेकिन ये ध्रुव महाराज ऐसे भक्त हुए। साक्षात काल वहां पर आया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का धाम को। बोले आप कौन हो? बोले मैं काल हूँ, जब तक तो मेरे को कोई स्पर्श नहीं करता है यहाँ से कोई जा नहीं सकता। बोले आप बैठ जाओ, ये स्वयं काल के सर के ऊपर प्यार रखेंगे और सीढ़ी बना करके सौ सर्दी में ये वैकुंठ विजय कर रहे थे। इतने में उनकी मैया की याद आ गई। बोले मेरी मैया कहाँ गई? मेरी मैया? विष्णु दूत ने पूछा, अपना मैया को क्यों पूछ रहे हो? बोले आज जो मेरे को भगवान मिले, ये मेरी माँ की आशीर्वाद से मिले, माँ की कृपा से हमें मिले हैं। इसलिए जब तक अब मैया नहीं आएगी ना, तब तक मैं वैकुंठ नहीं जाऊँगा। विष्णु दूत ने कहा, देख बेटा जो मैया तुमको भक्ति की उपदेश दी, देख आगे देख, वो जो सामने जो रथ है ना, वो रथ में तेरी मैया बैठ करके वैकुंठ जा रहे हैं, उसको पीछे 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 तू जा रहे हो, तू आगे नहीं मैया को पीछे पीछे जा रहे हो। हाँ देखो जितने माताएं, ध्यान देकर सुनो, जितने माताएं बैठे हो, अगर बच्चे को भगवान की भक्ति में लगाओगे ना, सबसे पहले वैकुंठ कौन जाएगा? आप जाओ, उसको पीछे आपको बेटा जाएगा, पहले बेटा नहीं जाएगा, पहले माँ जाएगा। अगर पिता लोग भाई लोग अगर बच्चों को प्रभु की भक्ति के ऊपर जैसे दोगे, पहले वैकुंठ कौन जाएगा? बच्चा नहीं जाएगा, आप जाओगे, आप जाओगे, उसको बाद में बेटा बन जाएगा वैकुंठ में। अगर बच्चे को अगर भक्ति में लगाओगे और अगर माँ की आशीर्वाद लो ना, ध्रुव जी को भगवान मिले कैसे? उसने अपना माँ के चरण को स्पर्श करके माँ की परिक्रमा करते हुए गए। इसलिए सिखा देते हैं भैया, जो पिता माता इसको आदर करना सीखो, पिता माता को आदर करो। जो पिता माता को आदर नहीं कर सकते हो, आप भगवान को क्या भक्ति करोगे? आप उनको क्या आदर करोगे? जब तू अपना पिता माता की सेवा नहीं की और ठाकुर को पूजा करोगे, ठाकुर तुम्हारा सेवा कराने के लिए जाते ना। इसलिए पहले अपना पिता माता को आदर करो, अपना सास ससुर को पहले आदर करो, है तभी तो भगवान तुम्हारी कृपा करेंगे ना, तभी तो ठाकुर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर होगा। हाँ देखो ये भगवान नरसिंह देव कहते हैं,
अगर वंश में एक बच्चा अगर प्रभु का भजन किया है, देखो ये भगवान नरसिंहदेव का श्लोक है, बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा बसतिश्च धन्या नृत्यन्ते स्वर्गे पितरि पितरे साम जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। वंश में अगर एक भक्ति करने वाले बेटा जन्म हो गया तो उसको 21 सिद्धि उदान हो जाती। भगवान खुद नरसिंह भगवान कहते हैं बोले नृत्यन्ते स्वर्गे पितरि पितरे साम, जो स्वर्ग में जो पूर्वज चले गए वो हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते, अहो भाग्य हमारी वंश में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म ले लिया, अभी कोई चिंता नहीं, अभी हमारी उधार हो जाएगी। बोले जननी, जननी मतलब माँ और पिता, जब इनका जो कोप है वो धन्य हो जाती है। बोले वसुंधरा मतलब ये पृथ्वी, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, भैया मेरे कोप से इतने सुंदर बच्चा जन्म लिया जो भगवान का भजन कर रहा है। इतने महीना घर में एक बेटा जन्म लेने का भक्ति, देखो और एक चीज सुना, अगर बेटा तुम्हारे भजन नहीं किया, अगर बेटा तुम्हारी भक्ति नहीं किया, शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट फूंकता है, जुआ खेलता है, मांस मछली खाता है, तब इसको पाप भी ये पिता माता को लेना पड़ेगा। जैसे पुण्य लेंगे ना उसका पाप भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये पुराण में कथा थी, बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग लोक में पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया उसको सेवा कर रही थी, लेकिन स्वर्ग में बैठी बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने पूछा, भैया तू इतने अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आए हो और ये स्वर्ग में रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, बेहोश भी हो रहे हो। बोले मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने दान पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन ये बच्चों को मैंने ये सदमार्ग में नहीं दिखाया, बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया, और मैंने जितने पैसा छोड़ करके आया था बच्चे लोग उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, बच्चे लोग उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, बच्चे लोग उसी पैसा से मांस मछली खा रहे हैं। क्योंकि वो पैसा को मैं नहीं छोड़ करके आया, वो पैसा मेरा है और मेरे पैसा को बच्चे गलत काम में लगा रहे हैं, क्योंकि उसका पाप मेरे को स्वर्ग में ही नहीं छोड़ रहा है। ये चीज को अच्छे तरह से माता ने याद रखो, इसलिए ये माता श्री कहते श्री सुमित्रा कहती है। आप लोग सुमित्रा का नाम सुने हो? कौन कौन सुमित्रा का नाम जानते हो? ये सुमित्रा कौन थी? ये लक्ष्मण की मैया थी। जब सीताराम वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ के पास में आए, बोले माँ भाभी भैया वनवास जा रहे हैं, मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा करने के लिए जाऊँ। सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई। देखो ये सुमित्रा कह रही है, बोले पुत्रवती, हिंदी समझते हो? समझते हो हिंदी? देखो ये प्यार में क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुगती जगत सोई रघुपति भक्ति जासु सुतो है। बोले उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता है, अगर वो बच्चा भगवान की भजन किया तो रघुपति भक्ति जासु सुतो है। जिसका बेटा भगवान की भक्त बना उसकी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता। दूसरी लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने भगवान की भजन में नहीं लगा पाए, वो कहती है माँ को बांझ रहनी चाहिए, माँ को बांझ रहनी चाहिए। बच्चे जन्म देने का तुम्हारी कोई अधिकार नहीं, वो मना कर देती है, बच्चे जन्म मत दो। बोले क्यों? बोले 9 महीना तक तो बच्चे को गर्भ में धारण करो, प्रसव पीड़ा आपको पता होगा कितना, गिली में सो करके बच्चे को सुखा में सुलाओगी, मुंह की आहार निकाल करके खिलाओगी, लाख रुपया खर्चा करके तुमने इसको लिखाया पढ़ाई करोगे, अगर बच्चा गलत रास्ता में गया फिर तू नर्क में, फिर नर्क में। इसलिए सुमित्रा कहती है तभी बच्चे जन्म दो, अगर बच्चे को भजन में लगा पाओगे तो, नहीं तो बंध्या रहो। वो कहती है बंध्या रहो, बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती है। हाँ देखो ये एक चीज अच्छे तरह समझो, ये बच्चा भजन कब करेगा? जब पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चा को संस्कार पड़ेगा ना, पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चे भजन करेंगे। खुद अगर दिन भर टीवी देख रहे हो, स्मार्टफोन चला रहे हो, भजन भजन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं।
तो बच्चे भैया पहला संस्कार तो पिता माता से पढ़ता है, पहला संस्कार तो माता से सबसे पहला पढ़ता है। माँ उसको लालन पालन करती है, समझ रहे कि नहीं माता है? इसलिए पहले गले में तुलसी कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, हरि नाम करो, फिर तुम्हारी बच्चा भी जो देखेगा वही सीखेगा, वही सीखेगा, बच्चा फिर भजन करेगा, ठीक है ना? क्या करना चाहिए? और खुद रामायण करो, बच्चों को बोलो रामायण पढ़ा करे। और मैंने बताया था ना, उसको कम से कम दो लाइन सिखाओ। कितना लाइन सिखाओ? कौन सा दो लाइन? कहते प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। क्या करो? मात पीत गुरु। कौन कौन अपना बच्चों को ये दो लाइन सिखाएगा? हाथ उठाओ तो। कौन ये दो लाइन सिखाएगा अपना बच्चों को? कम से कम इतना सिखाया करो, सवेरे उठ करके अपना पिता माता की पहले पहले ये दो लाइन केवल सिखाओ बच्चों को, है? उसको बाद में और जितने पढ़ाया करते हो बढ़िया से अच्छे तरह से पढ़ाया करो और अच्छे तरह से जो कुछ करना करो। पहले बच्चों का अगर मैं संस्कार करे, अपना पिता माता को पहले आदर करना सीखे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले श्री वृंदावन की, कोई जयकार नहीं बोले, बोले श्री वृंदावन की जय जय श्री राम। इसलिए जिस समय से ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, कहते श्री नारद जी, नारद जी बड़े प्रसन्न हो करके श्री नारद जी बिना बजा बजा करके नारद जी नृत्य कर रहे थे। बोले क्यों? कारण में क्या? बोले कारण है आज मेरे को निमित्त बना करके एक जी ये भवसागर से पार हो करके वो वैकुंठ विजय कर रहा है। मतलब है गुरु हमसे क्या चाहते हैं? गुरु केवल हमसे एक चीज चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए तुम तो भगवान के चरणों को प्राप्त करो। अगर ये चीज हो गया ना, बस गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकार प्लात रुकार तस्य निरोधको। जो हमारी हृदय की अज्ञानता को दूर करके हृदय में दिव्य आनंद को जो भर दे, कभी गुरु जी है। इसलिए आप लोग सब जैसा भजन करो। देखो भागवत सुनने का यही फल है, जब हमारी मन पहुंची भजन में लग जाए। देखो कभी मैं कथा करने का, कभी मैं सोचूंगा भैया कथा करने का मेरा सार्थक हो गया, जब सबके सब ठाकुर का भजन करोगे, भक्ति करोगे और अपना पिता माता को आदर करोगे, सास ससुर को आदर करोगे, सबको आदर करोगे ना, मैं समझूंगा भैया मेरा कथा करना सार्थकता हो गया है। ये सबके सब प्रभु की भजन में और प्रभु की भक्ति में सबके सब लग गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मेरे पीछे पीछे एक मिनट सबके सब ताली बजाते हुए ठाकुर जी का नाम लो। अभी श्री बामन देव आएंगे, अभी भगवान कन्या भी जन्म लेने वाले हैं। सबके सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लेना, ठीक है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe। देखो ये जो महामंत्र है ना, इसमें तीन नाम है।
हरे कृष्णा और राम। बोले हरे मतलब क्या होता है? ये भगवान हरि का नाम से संबोधन हो जाता है हरे। हरि का नाम से हरे, हरि मतलब है जो हमारी दुख कष्ट को जो हरण कर ले, जीवन का दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए इनका नाम हरि। कृष्णा बोले कृष्ण का मतलब क्या? बोले क्री मतलब होता है हमारी मन बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भटकता है। अगर आप क्री बोलो ना, ये भटकते हुए मन भटकेगा नहीं, इसलिए उनका नाम है क्री। और स्ना मतलब आनंद दे, जो भटकते हुए मन को भटकने नहीं दे और जीवन में जो आनंद दे। बोले राम मतलब क्या है? बोले हमारी हृदय में जो रमण करे और जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो आराम दे। अगर ये नाम करोगे ना, आपका तीन फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा? हरे मतलब जीवन का दुख कष्ट जाएगी, कृष्ण मतलब ये भटकते हुए मन भटकेगा नहीं और आनंद मिलेगा, राम मतलब जीवन में आराम मिलेगा। अगर ये नाम ग्रहण करोगे ना, आपका तीन फल मिलेगा। आप लोग बोलोगे अरे से बेकार बात है, इसे कुछ नहीं होता है। देखो ये जो जगत है ना, सारे शब्द के ऊपर में चलता है, सारे शब्द के ऊपर में, वाणी के ऊपर में जगत चलता है। अगर हमने बोल दिया भैया, हाँ किसको थोड़ी सी मीठी बोली बोल दिया, देखना खुश हो जाते हैं। अगर किसको थोड़ा कड़क बोली बोल दे, क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है। केवल शब्द का फर्क है, किसको थोड़ी सी मीठी बोली बोलो खुश हो जाते हैं, और थोड़ी कड़वी बात बोल दो ना गुस्सा हो जाती है। इसलिए अगर साधारण शब्द में इतना शक्ति है, फिर भगवान के नाम में कितना शक्ति नहीं। इसलिए सबके सब जोर जोर से ताली बजाते हुए बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीराधे गोपाल भज मन सीनाथ, 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 I'm gonna go get some more.
भागवत में चार चांद लेंगे, क्योंकि ये श्रीमद भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं है, इसमें केवल एकादशी की कथा आती है। ध्यान देकर सुना, इसमें केवल एकादशी की कथा आती है, इसलिए ये एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्पतरु का मतलब क्या होता है? ध्यान देकर सुना, कल्पतरु का मतलब होता है ये एकादशी करके अब जो कुछ माधो बना आपको सो कुछ मिलेगा, इसलिए उसको कल्पतरु व्रत बताया। इसलिए आप लोग कभी आपके घर में एकादशी की कोई व्रत हो जरूर पढ़ना, कितना 15 दिन में एक एकादशी आती है, हर एकादशी का नाम अलग अलग है। कल जो एकादशी आपको पता है, कल जो एकादशी का नाम क्या है बता सकते हो? इसका नाम है इंदिरा एकादशी। क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा मतलब क्या है? लक्ष्मी। कभी ये एकादशी व्रत रखने पर माँ घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, मतलब वो एकादशी के करो जीवन में जितने पाप हुए वो सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जो एकादशी करने पर जीवन में मुक्ति की प्राप्त होती है। एक एकादशी का नाम विजया, जो एकादशी करने पर सर्वत्र तुम्हारी विजय प्राप्ति हुई है। एक एकादशी का नाम है सफला, मतलब जो एकादशी करने पर जीवन में सब जगह में तुमको सफलता मिलेगी, सब जगह में। एक एकादशी का नाम है अर्णधा, जिसको करने से घर में खूब अन्न आएगा, खूब अन्न घर में आएगा, इसलिए उसका नाम अर्णधा। आप कभी पढ़ करके देखना, हर एकादशी का नाम अलग अलग, अलग अलग एकादशी, मतलब है आप एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगोगे आपको वही मिलेगा, इसलिए इसके एकादशी का नाम है क्या नाम? उसका नाम कल्पतरु व्रत, मतलब जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। भागवत में कल एकादशी है, उसकी बड़ी महिमा है अगर भागवत में एकादशी आ जाए। कल हम एकादशी की अच्छी अच्छी कथा सुनेंगे, प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे। कोई राजा रानी थे, उनको पता नहीं था, पहले जन्म में शूद्र शूद्राणी थे, लेकिन उनको पता नहीं था ये एकादशी है। सवेरे क्या हुआ, ये आपस आपस में लड़ाई हो गई, आपस आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो आपको घर में पता होगा, अगर घर में अगर लड़ाई हो जाए पति पत्नी ना, दो तीन दिन तक एकादशी एकादशी चलती रहती है। अगर मान कर लिया ना स्त्री या पति लोग, अगर मान कर लिया देखना, दो तीन दिन तक बिना खाए रह जाएंगे। इसलिए तो शूद्र शूद्राणी थे, उनको पता नहीं था एकादशी, उन्होंने अनजान में उन्हें लड़ाई हो गई तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया, भोजन नहीं किया, वो पूरा निर्जला एकादशी हो गया। और इसका फल हुई दूसरे जन्म में राजा और रानी बनकर भी जन्म हुई, पृथ्वी का राजा रानी बने, वो राजा का नाम था रुक्मांगद महाराज। कल हम इसकी कथा सुनेंगे, कल हम लोग इनकी कथा सुनेंगे, रुक्मांगद महाराज की कथा सुनेंगे। एकादशी की बड़ी महत्व है। देखो यहाँ पर जो कोई व्यक्ति हो ना, ये बच्चे जो इधर उधर भागते हैं, ये बच्चों को भागने मत दिया करो, ये बच्चों को अलग अलग बैठा दो, कोई एक साथ मत बैठा करो, ये बच्चों को सब कोई एक तो व्यक्ति हो जाओ, ये बच्चों को एक साथ में बैठने नहीं दिया करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो ध्यान दे कृष्ण, ये जो एकादशी व्रत है ये एक साइन सी है, ये क्या है? ये एक साइन सी है, ये मत समझो अरे सब शास्त्र में एकादशी व्रत पता नहीं सब क्या क्या बताते सब बेकार बात है, नहीं। हमारे जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन नाम सुनेंगे, न्यूटन का नाम सुनेंगे, आइंस्टाइन का नाम सुनेंगे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। अब देखना अभी जो साइंटिस्ट अभी आए हैं, इनकी फिलोसफी में बहुत कुछ गलत बता रहे हैं, उसने ये गलत बताया, उसने ये गलत बताया, ये गलत बताया। देखना बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती, बल्कि क्यों, बल्कि ये साइंटिस्ट ने ये बताया, ये साइंटिस्ट ने ये बता दिया, इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है। लेकिन आप लोगों ने कभी सुने रामायण का कोई प्यार बदला है? तुलसीदास का रामायण का कोई प्यार अभी तक बदली है?
हमारे वाल्मीकि का रामायण का कोई श्लोक बदला है, भागवत का कोई श्लोक बदली है, वेद का कोई श्लोक बदला अभी तक आप लोगों ने सुने हो? नहीं सुने। बोले क्यों? बोले हमारे जितने ऋषि मुनि लोग थे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने भक्ति करते हुए इनके हृदय जब शुद्ध हो गया, जब उन्होंने भगवत दर्शन करते हुए उन्होंने जो कुछ बोले थे वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। इसलिए इन लोगों ने जो व्रत की बात बताई ना एकादशी है, ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। देखो आज मैं बताऊंगा, कल देखूंगा मेरे को कौन बोल सकता है ये एकादशी में क्या साइंस है, कौन बोलेगा बताओ तो? मैं आज बताऊंगा एकादशी में क्या साइंस है, कल मेरे को कौन बोल पाएगा? हाथ उठाओ तो। अरे लिखे बड़े बच्चे हाथ उठाओ, हम लोग नहीं बता सकते, हाथ उठाओ तो। जो थोड़ा लिखे बड़े, जो अनपढ़ है उनको तो पूछूंगा नहीं, जो लिखे पड़े हैं उनको मैं पूछूंगा क्या साइंस है। अच्छे तरह समझो ये एकादशी में क्या साइंस है, ऋषि मुनियों ने क्यों रखा? देखो ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओगे मशीन ज्यादा समय काम नहीं करेगा। ध्यान समझो कि जो मशीन चल रहा है अगर किसको कंटिन्यू चलाओगे ना देखना वो ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ये शरीर एक मशीन है, देखना। इसलिए संडे को बच्चों का छुट्टी रहती नहीं, क्यों? बच्चों को अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी रहती है, क्यों? बच्चों को साथ नहीं पढ़ाओ ना, बढ़िया पढ़ेगा। बोले नहीं पढ़ेगा नहीं वो पागल हो जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं पागल हो जाएगा। इसलिए जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं अब देखना उसमें 7-8 पीरियड है, लेकिन बीच में खल छुट्टी रहता है कि नहीं? रिसेस से बीच में रहता है। बोले क्यों? वो बीच में खल छुट्टी क्यों रहता है? बोले कारण ये ब्रेन एक मशीन है, अगर बच्चों का आधा घंटा खेल छुट्टी हो जाए ना, बच्चे अगर खेल कूद कर ले फिर ये माइंड फ्री हो जाती है, फिर बच्चे क्या करते हैं। उसी तरह ये शरीर एक मशीन है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने देखा अगर ये शरीर को अगर कंटिन्यू चलाते रहोगे बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे ना, ये शरीर कभी सुस्त नहीं रह सकता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा देखो ये शरीर को कम से कम 15 दिन में एक बार ये शरीर को रेस्ट दो, 15 दिन में शरीर को एक बार इसको रेस्ट दो। इसलिए बोले कि एकादश इसलिए ऋषि मुनियों ने रखा। अभी यह प्रश्न होता है बोले भैया शरीर को कभी भी हम रेस्ट दे सकते हैं, ये शरीर को हम कभी भी रेस्ट दे सकते हैं, ये एकादशी का दिन ये शरीर को हम विश्राम क्यों दे? ये चीज को समझो। आप लोगों ने सुने होंगे ये समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने कि नहीं? समुद्र का पानी बढ़ती है और घटती है, यदि ये पानी कब बढ़ती है और कब घटती है, कब घटती है कब बढ़ती है, यदि ये एकादशी का दिन से ये पानी समुद्र का पानी ज्यादा उफनती है, एकादशी लेकर पूर्णिमा तक ये पानी ज्यादा उफनती है, और उसको बाद में जब प्रथम अमावस्या के बाद में धीरे धीरे प्रथमा द्वितीय जब होता है फिर पानी घटना शुरू हो जाती है। बोले क्यों? कारण है जो चंद्रमा ये पृथ्वी को भी खींचती है, ये पृथ्वी चंद्रमा को भी खींचती है, दोनों दोनों का आकर्षण शक्ति है। इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, ये पृथ्वी को ये खींच नहीं सकती क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? बोले पानी के ऊपर पड़ता है इसका प्रभाव। पानी के ऊपर पड़ने के नाते देखना एकादशी से ये चंद्रमा ज्यादा बढ़ती है, जितना चंद्रमा बढ़ती रहेगी समुद्र में जो पानी, आप लोग तो समुद्र के पास में नहीं, मैं भी समुद्र के पास रहता था, हमारे घर समुद्र के पास नहीं है, इसलिए वो एकादशी से ज्यादा उफनना शुरू होता है, बड़ी बड़ी लहरी आती है, और पूर्णिमा का दिन तो इतनी बड़ी बड़ी लहरी आती है कोई पानी में उतरते नहीं, क्यों? ये चंद्रमा जितना बढ़ती है ये पृथ्वी को आकर्षती है, खींचने का ना तो बढ़ती। उसी तरह कहते ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, कितना तत्वों से बना है बताओ तो? 5 तत्वों ये क्या क्या है, कौन बोलेगा हाथ उठा? शरीर में 5 चीज़ क्या क्या है, जल, बोलो जोर से बच्चा बोलो, क्या शरीर में 5 चीज क्या क्या है भैया? आप बोलो प्रोफेसर, बोलो शरीर में 5 चीज क्या क्या, नहीं बता सकता हूँ, जल, जोर से बोलो, इसमें मिट्टी अग्नि वायु
जल और आकाश किति जल ताप गगन समीरा पंच रचितैया अधम शरीर पांच चीज इसमें बनी हुई है। पांच चीज ने शरीर में सबसे ज्यादा किया है, बोला शरीर में पांच चीज ने सबसे ज्यादा क्या चीज है? जल। ये शरीर में कितना परसेंटेज पानी है बताओ? 70-75% इसमें जल है। जल होने का नाते चंद्रमा पानी को खींचती है, पानी को आकर्षण करती है। आप लोगों देख लेना, जिनकी कमर में दर्द है, जिनकी घुटने में दर्द है, शरीर में दर्द, आप लोग देख लेना, एकादशी दिन शरीर में थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगी, द्वादश दिन ज्यादा दर्द होगी, और पूर्णिमा को इतने दर्द होगी सो भी नहीं सकते हो। आप देख लेना, किसी हॉस्पिटल में आप जाओ, किसी हॉस्पिटल में आप देखोगे ज्यादा रोगी कम हॉस्पिटल में आते हैं। देखना, एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा रोगी हॉस्पिटल में आते हैं। आप किसी शमशान घाट में जाओ, देखना ज्यादा लोग मरने वाले कौन है, एकादश से लेकर पूर्णिमा तक लोग ज्यादा मरते हैं। खून खराबी देख लेना, ज्यादा ये खून खराबी कब होता है? एकादश से लेकर पूर्णिमा तक। कहते माताओं को अंदर पूजा बैठ होते, इसलिए माताओं के अंदर में एक चिड़चिड़ापन होता है। आप देख लेना, ये जो चिड़चिड़ापन है, एकादश से लेकर कथा सुनो, हम कल में कुछ ना क्या कथा सुन रहे थे। देखो हम तो सिखाने के लिए आते हैं, दोनों को बैठ जाए, इसलिए कल आपको पूछना मैंने क्या सुना है। इसलिए ये चिड़चिड़ापन आता है एकादश से लेकर कुछ बोलने वाकर। इसलिए शास्त्र ने बताया ये एकादशी का दिन ये अर्ण में पांच महापाप रहता है, गोहत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या और पिता माता हत्या। ये पांच महापाप एकादशी का दिन अर्ण में रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्ण भोजन करता है, कभी ये सारे पाप को उसको भोगना पड़ता है, सारे पाप उसको लेना पड़ेगा, कहते सारे पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं उनको कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए देखना, बीमारी पड़ने पर मेडिसिन मेड ईट सीन क्रोसीन टेरामाइसीन, सीन मतलब क्या होता है? हाँ, ये बीमारी क्यों होता है? इसलिए मेड ईट सीन, ये सीन सीन शब्द आता है क्यों? इसलिए मेडिसिन का नाम इसलिए सीन सीन शब्द, ये सब पाप से ही ये सब दवा खाते हैं, पाप से ही बीमारी पड़ते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं तब ये सारे पाप भोगना पड़ता, सारे पाप से निष्कृति बताया। लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं उनको किसी तरह से उनको ये पाप से उनको मुक्ति नहीं मिलती, इतने जोर जबरदस्त उसको पाप लगती है। इसलिए कल एकादशी है, बड़े भाग्य से भागवत का बीच में ये एकादशी व्रत आती है। इसलिए देखो एकादशी का दिन, जैसे आप लोग नवरात्र रखते हो, रखते कि नहीं नवरात्र? जैसे आप लोग फलाहार करते हो, हैं? जैसे कुटवाटा का पकड़ खा सकते हो, आलू की सब्जी, केले, दूध, दही, खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन केवल सस्य नहीं खाना है, केवल सस्यों को नहीं खाना है। जैसे गेहूं से बड़ा जो बनी हुई है, दाल है, सरसों है, जैसे आप लोग सब जानते हो, व्रत रखते हो नवरात्रि, कल एकादशी व्रत है, जरूर एकादशी व्रत रखते हो जरूर। और दूसरा दिन है, एक समय पर व्रत खोलना पड़ता है, लगता है कल सारे परसों साढ़े सात बजे के अंदर में ये व्रत खोलने का समय है, उसका अंदर में थोड़ी सी रोटी नहीं तो थोड़ी सी चावल मुंह में दे देने पर वो व्रत खुल जाती है। इसलिए कल एकादशी, कल मैं बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाऊंगा, एकादशी की कितने महिमा है। इसलिए कल आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना? अगर जो रख नहीं पाओगे घर में लड़ाई कर देना, देना दो तीन दिन तक उधर व्रत रखने वाले ऐसे नहीं। इसलिए कल जरूर एकादशी व्रत रखो, कोशिश करना जैसे 12 बजे तक कुछ नहीं खाए, उसको बाद में जैसे फलाहार करते हैं ना, फलाहार जो बीमारी है, जो बिना खाए रह नहीं सकते हो, जल्दी जल्दी खा लो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी भी दो बार भी तीन बार खाओ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकादशी व्रत जरूर रखना, ठीक है? श्री एकादशी व्रत की, एकादशी महारानी की, जय जय श्री राधे। अभी भगवान बामन बामन तैयार है ना? ठीक ठीक है, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट। और देखो आज तक कन्हैया जन्म लोग
कल राधा रानी जन्म लेंगे। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हैं? बोलो जोर से, पीले रंग के। कल राधा रानी जन्म लेगी, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करेंगे, ठीक है ना। तो जो गुलाबी रंग है ये तो प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग है, गुलाब रंग है। और राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है वो गुलाबी रंग का है। इसलिए कल सबके सब राधा रानी जन्म लेगी, सबके सब गुलाबी रंग के वस्त्र पहन के चलाना। अभी भगवान वामन आने वाले हैं, कभी ये देवता दैत्य में फ्राई करके लड़ाई होती है। अगर देवता मरते मर जाए, लेकिन दैत्य मरे उनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा करते। एक दिन देवता लोग भगवान को पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा तो उसको पियोगे तो अमर बन जाओगे। जब समुद्र मंथन किया सबसे पहले श्री हलहाल भीष निकला, जिसको श्री भोले बाबा ने पान करके अपना कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। श्री नीलकंठ भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन हुई, बड़े बड़े तिब्बती पुत्र रत्न निकले। फिर समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की, अभी लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को लक्ष्मी चाहिए। सारे देवता में लड़ाई हो गई, बोले हमें लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, लाइन में खड़े हो गए, मैं अपना मन मर्जी पति चुनूंगी। लेकिन सबको पास में गई, कुछ ना कुछ सबसे कभी दिखी। लेकिन जब भगवान नारायण को पास में गए ना, अगर कोई परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न देखा भगवान नारायण ने, फिर उन्होंने उनकी गले में माला डाल दी। फिर श्री लक्ष्मी नारायण की फिर मंथन हुई, तो धनोत्तरी में अमृत कलश लेकर उठी। फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। इतने में दैत्य लोग छीन लिए, भगवान ने वही में अवतार धारण किए। और इतने सुंदर ठाकुर जी थे, उनको देख कर सब पागल हो गए। भगवान ने बोले भैया क्या बात, लड़ाई क्यों कर रहे? बोले ये अमृत गली। दैत्य लोग बोले देखो अमृत पियेंगे तो तुम्हारी हाथ से पियेंगे। बोले देखो मैं अनजान स्त्री हूँ, अनजान स्त्री के ऊपर में कोई विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले भैया पियेंगे तो कई आते हैं, नहीं तो हम पियेंगे नहीं। बोले देखो मैं जो कुछ करूँ उस पर बोलना नहीं। बोले नहीं, बोले दो लाख कर दो भैया। बोले देवता को तो पानी पानी पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, फिर हम एकांत में बैठ करके पियेंगे। बोले मोहिनी अगर अमृत नहीं मिला तो तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और मोहिनी देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन दैत्य के तरफ में केवल तेरे चितवन से देख रही थी और थोड़ी मीठी मीठी हंस रही थी। दैत्यों का तो मोहिनी, उनको अमृत में ध्यान ही नहीं, ध्यान तो उनको मोहिनी में। इतने में अमृत पिलाते पिलाते जब खत्म हो गया, कलसी को फेंक के और भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। अभी देवता अमृत पी चुके, अमर हो गए। देवता दैत्य में लड़ाई हुई, जैसे केले को पेड़ को काटते हैं ना, ऐसे एक तरह से दैत्यों को काटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया दैत्य वंश समाप्त हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को रोके। फिर उन्होंने गुरु जी शुक्राचार्य फिर सबको जिंदा कर दिए। दैत्यों का राजा बलि ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया, जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ। यज्ञ से रथ निकला, वो रथ के ऊपर बैठ करके कोई युद्ध कर उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर से प्रहलाद महाराज ने उनको भगवान की प्रसाद की माला दिए। फिर बलि महाराज स्वर्गों पर चढ़ाए थे और सारे देवता को मार मार कर भगा दिए। वहां से भगा करके उन्होंने इंद्र राज्य को दखल कर लिया। अभी देवता लोग मारे मारे पृथ्वी लोगों पर लटक रहे हैं। इनकी माता ने श्री कश्यप ऋषि को पास में गए, बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले पैर प्रत बोले बारह चिंता करो, भगवान वामन बन करके आएंगे। फिर भगवान श्री वामन रूप में आते हैं। श्री वामन भगवान की, श्री वामन भगवान की। वामन भगवान को लिया। जब भगवान श्री वामन देव आए, बलि महाराज की चरण धोए, उन्हें बोले आज हमारे जीवन धन्य हो गया है, आप कृपा करके पधारे। बोले आपको मैं वरदान देना चाहता हूँ, जो कुछ मांगो और कहीं झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले पहले आप संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे, शुक्राचार्य डॉक्टर आता है यहाँ। बोले बलि सावधान, जानता हूँ ये कौन। बोले कौन? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, कोई मोहिनी अभी मोहन बन करके आया है।
और तीन फग जमीन नहीं त्रिभुवन राज्य ये ले लेगा। बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, भगवान स्वयं मेरे पास को मांगने के लिए आए, मैं जरूर उनको दूंगा। बोले मैं गुरु हूँ, गुरु का बात नहीं माने तो बोले नहीं, बोले जा तू स्त्री भ्रष्ट हो जा। खैर मैंने संकल्प करके जब उन्होंने पृथ्वी को मांगे एक कदम उन्होंने भूर भूर बहुत जाना तब सत्य लोग तक ले लिया। ब्रह्मा जी भगवान की चरणों को अभिषेक करके कमल में जो पानी रखे वही पतित पावन श्री गंगा हुई। बस ये पतित पावन गंगा देवी की दूसरे पग में अतल भीतल तलातल पाताल लोक में ले लिए। अभी तीसरे यहाँ पे कुछ चेयर देखो इसलिए उन्होंने अतल भीतल तलातल पाताल लोक में ले लिए। बोले बली बताओ अभी ये तीसरे पग में कहाँ पर लगूंगा। लेकिन उनका जो पत्नी थी ना बड़ी भक्तिमती, पत्नी बड़ी संस्कारी, पत्नी बड़ी भक्ति भक्ति थी। भैया कोई सामने खड़े मत हो, सबके से बैठ जाओ, बैठ जाओ सबके सब कथा सुनो। बामन भगवान छोड़ कर पास में ना फटो लोगे ना कथा सुनने बाद में फटो लोग मैं थोड़ा बड़े लो। हाँ देखो कहते बलि महाराज का पत्नी बड़ी संस्कारी थी, बड़ी भक्तिमती थी। देखो पत्नी दो तरह के होता है, कितने तरह के पत्नी होती है, कितने तरह के कहते हैं धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले भैया धर्म पत्नी कौन है, जो पति को साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलता है सुख दुख में पति का, जो बाद में लेना फोटो बाद में। कहते ये होती है धर्म पत्नी। लेकिन दूसरी पत्नी होती है धन पत्नी। बोले धन पत्नी मतलब क्या है, बोले जब तक पति के पास में धन रहेगा तब तक रहेगी, अगर धन गया तो ही नहीं। इसलिए हमें धर्म पत्नी नहीं क्या होनी चाहिए, हमें धर्म पत्नी होनी चाहिए। इसलिए बलि महाराज प्रसन्न हो गए, बोले बाबा सचमुच तेरी जैसे पत्नी होनी चाहिए। क्यों, बोले आप भगवान को दिया क्या दुनिया, ठाकुर जी की ठाकुर दुनिया को ले लिया, अपने खुद क्या दिया, तुमने दिया ही नहीं। ठाकुर जी को बोलो ना मेरे सर पर प्यार रखे। बोले बाबा सचमुच से अच्छी पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दान ही बढ़ा। बोले दान ही बड़ा। बोले आप तो बोले दान लिए, अभी दानी स्वयं बाकी है, दानी स्वयं बाकी। बोले बताओ कहाँ प्यार रखे, बोले सर पर रखो। फिर भगवान तीसरे चरण श्री बलि महाराज का सर पर रखे, सारे देवता देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे। देखो जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तरसते हैं, आज वो दुर्लभ चरण कहाँ पर दिए, ऋषि बलि महाराज को सर पर रखे। सारे देवता जय जयकार करते हुए उनकी जय ध्वनि दी। श्री बलि महाराज की जय, ऋषि बामन भगवान की जय। भगवान संतुष्ट हो गए, बोले जाओ तुम तो मैं शुक्ल लोक में स्थान देता हूँ। बोले वर मांगो। बोले देखो ठाकुर जी एक ही वर दो, जब मैं घर में घर से बाहर निकली हूँ आपको दर्शन करते हूँ, और जब घर में प्रवेश करो आपका दर्शन करते हूँ। बोले कथा मतलब क्या, भगवान स्वयं इनकी दरवान बन गए, इतने उन्होंने भक्ति की ठाकुर जी के प्रेम से दरवान बन गए ठाकुर जी। और दोनों बैठ गए भगवान की चर्चा करते थे। श्री बामन भगवान की, श्री बलि महाराज की। हाँ देखो अभी भगवान स्वयं आपको पास में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। भगवान कौन है, बोले त्रिभुवन का मालिक है। जैसे सुदामा जी भगवान को दो मुठे चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे देते हैं। इसलिए भगवान को दान देने का बड़ा पुण्य है। आज ठाकुर स्वयं त्रिभुवन आए, आप लोगों के पास में भिक्षा लेने जाएंगे। आप लोग पवित्र भगवान को भिक्षा देना, ठाकुर को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। ये बच्चे को ले जाओ तो भिक्षा मंगाने के लिए बच्चे को ले जाओ। प्रभु तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे रे जोड़ी, भगत भरे रे अरे एक लेडी जो हाथ उठा देगा, मुझे पेपर में देना है, तो कुछ सामने कैच कर ला दे। अरे एक लेडी जो कहते हैं
तेरी रानी की निशान भगत हरिदय भगत भवता सो अशुजयो
भागवत में दो वंशावली के नाम आए, कहते एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश। जब ये दोनों वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन ये सबसे प्यारी कथा किसकी है? मतलब एक भगवान राम और दूसरे भगवान कृष्ण। इनकी जो दो जो भगवान हुए विशेष करके हमारे सनातन धर्म में, ये भगवान दोनों की बड़ी सुंदर प्यारी ये दोनों की कथा है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री श्यामर रामचंद्र की। कभी ये दोनों कथा बड़ी प्यारी कथा है। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, कहते एक राजा हुए जिनका नाम था सातदेव मनु। घर में सारे सुख हो, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी है। एक समय उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले, बोले गुरु जी घर में कोई संतान नहीं, हम बड़े दुखी है। गुरु जी ने यज्ञ करवाए, लेकिन पिताजी के मन में इच्छा है घर में बेटा जन्म, लेकिन पत्नी के मन में इच्छा है घर में बेटी हो। बेटी होगी तो ये माँ को मदद करेगी, पिता स्वस्थ है, अगर बेटा होगा तो राज सिंहासन का संभालेगा। जब यज्ञ हो रही थी, देखो पहले का साइंस कितना एडवांस था, जब यज्ञ हो रही थी उनकी जो पत्नी ने जाकर के जो यज्ञ कर रहे थे उसको कानों में धीरे धीरे बोल रहे, देखो अगर बेटी होगी ना मुंह माँ की दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा तो भैया मैं कोई दक्षिणा पकड़ा नहीं दूंगी। अभी ब्राह्मण बोले भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, पहले ऐसे मंत्र उच्चारण करते थे, जिस मंत्र को उच्चारण करते हुए यज्ञ करोगे, अगर बेटा का यज्ञ करोगे तो बेटा होगा, अगर बेटी के लिए करोगे तो बेटी होगी, ऐसे मंत्र शक्ति थी। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, वो बेटा का मंत्र नहीं पढ़ करके बेटी के मंत्र बना और उससे बनाया खीर, वो खीर खिलाया गया रानी को, बड़ी सुंदर अद्भुत सुंदर एक बेटी हुई जिनका नाम रखा एला। अभी सातदेव मनु वशिष्ठ के पास में गए, बोले गुरु जी ये क्या है, मैंने कहा बेटा होने चाहिए बेटी कैसे हो गई। वशिष्ठ जी ब्राह्मण से पूछे, बोले भैया ऐसे कैसे हो गई, बोले देखो इसमें हमारी कोई दोष नहीं, बोले इनका परिवार में एक मत नहीं, राजा की इच्छा बेटा हो, रानी की इच्छा बेटी हो, रानी ने हमें बताया अगर बेटी होगा तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, हम तो बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, इसलिए हमने बेटी का मंत्र बोल दिया। इतने में वशिष्ठ जी ने कहा देख राजा चिंता मत करो, घर में जब कोई बेटी आए ना दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी आई, घर में कौन आई, घर में कौन आई, लक्ष्मी, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। अब देखना जब किसी बेटी को आप दान करते हो ना वो लक्ष्मी रूपा मान करके दान की जाती है, इसलिए जो कन्या दान सबसे बड़ा दान कन्या दान को मानी गई, इसलिए कन्या वालों का हाथ ऊपर रहता है, हर समय उनके हाथ ऊपर रहती है। भैया बेटी हुई तो अच्छी बात है, माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। बोले भैया ये बात की बात है, हमें तो बेटा चाहिए। देखो पहले ये ऋषि मुनियों के पास में क्या मंत्र थी, वशिष्ठ जी ने क्या किया ऐसे मंत्र पढ़ा, वो जो बेटी थी ना बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, जिसका नाम रखा गया सुकुम। एक दिन ये सुकुम जब बड़ा हुआ, ये संजय सामंत को साथ में ये जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, भ्रमण करके तो ऐसे कि जंगल में पहुंचे, वहां प्रवेश करते जितने घोड़ा असल घोड़ी हो गए और जितने सैनिक थे सबके सब लड़की हो गए, और जो राजकुमार था ना हो गई राजकुमारी, सबके सब लड़की बन गई। बोले भैया ऐसे कैसे हो गया, बोले वो जो जंगल था श्री शंकर जी रहते थे, भोले बाबा रहते थे। एक दिन भोले बाबा को दर्शन करने के लिए चतुसन पहुंचे, जब चतुसन वहां पर पहुंचे शंकर पार्वती आपस में मिल गए। इतने में जब चतुसन हठात पहुंच गए, माँ पार्वती तो बड़ी शर्मिंदा हो गई, माता पार्वती बोली शंकर जी को ये कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा करके आ जाता है यहाँ पर। तब से शंकर ने अभिशाप दिया, अगर इसी जंगल में कोई अगर लड़का आएगा ना वो लड़का नहीं सबके सब लड़की बन जाएगी, अभी किसको पता नहीं था सबके सब लड़की बन गई। फिर राजा को पता चला, फिर राजा वशिष्ठ को बोले, फिर वशिष्ठ फिर गए शंकर जी के पास में, शंकर जी बोले देखो मैं एक काम कर सकता हूँ,
कि एक महीना बेटी रहेगी और एक महीना बेटा रहेगा, इतना मैं कर सकता हूँ, बोले कोई बात नहीं। अभी जब उन्होंने बेटी रही तो उसकी शादी दूध से हुई, दूध से हुई तो उससे जो बच्चा जन्म लिया उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म ग्रहण किया। जब उसने बेटा था फिर उसकी शादी हुई, शादी हो गई तो उसी समय में जो संतान जन्म हुई उसी से जो वंश चला उसी में सूर्य वंश चला और सूर्य वंश में भगवान राम आए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए। देखो कैसे अद्भुत लीला प्रभु की, एक व्यक्ति से ही ये दो वंश चले और दोनों वंश में दो ठाकुर जी आए हमारी, एक कृष्ण और श्री भगवान राम। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा वर्णन करने जा रहे थे, जब जा रहे थे जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ऐसे ही इनकी सामने भगवान की सारे लीला ठाकुर जी की प्रकट होने लगती, ठाकुर जी की सारे लीला दर्शन होने लगते और इन्होंने क्या किया, एक श्लोक ऐसे बोले और एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा बोल दिया। कैसे कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, कैसे प्रभु गोकुल में गए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, बोलो जय कन्हैया, जय कन्हैया। कैसे गोकुल में बड़े धूमधाम से महोत्सव हुई, कैसे उन्होंने पूतना कुमारी बदासुर बदासुर कुमारी कैसे उन्होंने काली और नाग को दखे, प्रभु कैसे रास किए, मथुरा में कंस को कैसे उद्धार की, कैसे उन्होंने द्वारका में गए 16108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई, ठाकुर जी अभिशाप को ग्रहण किया और ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में अपना अंतिम लीला को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक श्लोक में तो पूरी कृष्ण कथा सुना दी और चुप हो गए परिणित महाराज, बोले क्या हो गया, बोले हो गया नहीं सारी कृष्ण कथा तो मैंने सुना दी, बोले मैं तो 4 दिन से बैठा हुआ हूँ तो बोले कृष्ण कथा सुनने के लिए, बोले क्यों, बोले कृष्ण मेरे कुल को बता दो, जब मैं माँ की पेट में था ये अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग की भगवान कृष्ण ही मेरे को प्राण दी, तो बोले कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, आपका अगस्त ऋषि जैसे एक चुल में घर में पूरा समुद्र पान कर लिया आपका एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, मेरे को आनंद नहीं मिला, अब विस्तृत करके कृष्ण कथा सुनाओ। खैर तो सुखदेव गोस्वामी 3 दिन तक केवल कृष्ण 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 कथा उन्होंने सुनाई। अरे भैया जो कृष्ण कथा है ना बड़ा सुंदर है, कृष्ण कथा बड़ा मधुर है कृष्ण कथा, इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी एक सुंदर अष्टक लिखते हैं, बोले बदना माधुर हासितांग मधुर नायनांग मधुर गमनांग मधुर आरण मधुर बादलांग मधुर नायनांग मधुर हासितांग मधुर गमनांग मधुर माधुरा माधुराधिपते राखिला माधुरा माधुराधिपते राखिला माधुरा। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी बड़े सुंदर एक अष्टक लिखे जिसका नाम मधुरा अष्टक है, कहते भगवान का सब मिठाई मिठाई है, इसलिए उपनिषद में कहते हैं भगवान को ने बोले रस भई सर रसम जगायाम लब्धानंद भवती, भगवान केवल रसी रस है, जैसे रसगुल्ला को जिधर खाओ ना उधर ही मिठाई मिठाई है, उसी तरह भगवान की सब कुछ मिठाई, उनका बोलना मीठा चलना मीठा खाना मीठा सब कुछ भगवान की मिठाई मीठा, मानो भगवान रसगुल्ला ही रसगुल्ला भगवान है। बोले रसगुल्ला मतलब क्या होता है, रस और गुल्ला, गुल्ले को जब रस में डाल दो ना क्या हो जाता है, ये रसगुल्ला हो जाता है, क्या भगवान यही से बोले, नहीं भगवान स्वयं ही रस स्वरूप है, भगवान कथा में इतनी मीठा
कि जो आत्मा में जो रमण करने वाले भैवड़ जो ऋषि सुखदेव चतुर्सन शंकर जैसे जब भगवान की कथा को सुनते हैं तब उन लोगों ने सारे ब्रह्म ज्ञान और ध्यान को छोड़ करके प्रभु लीला रस में सबके साथ डूब जाते हैं। कृष्ण कथा इतने मीठी है जैसे तीन गंगा है। कितना गंगा है? कल तो हम एक ही गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे स्नान करने के लिए? कल सवेरे अपन नहाने जा रहे हैं, 6 बजे बोल देना, इसलिए कहते तीन गंगा। कितना गंगा है? देखो कल मैं पूछूंगा, आज मैं बताऊंगा, कल पूछना। गंगा तीन है। कितना गंगा है? तीन। तीन दुनिया के तक गंगा एक, आप कहते तीन, बोले तीन लोगों में तीन गंगा। एक स्वर्ग में गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी, कहते ये क्या करती है? बोले देव लोगों को पवित्र करती है। ये मरते जगत में जो गंगा है, मैं कल पूछना देखता कौन बोल पाता है, ये मरते जगत में जो गंगा है इसका नाम भागीरथी, जिस गंगा को भागीरथ बोला है। ये गंगा क्या करती है? ये मरते जगत को पवित्र करती है। और एक गंगा पाताल लोक में, बोले इनका नाम क्या? बोले भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कहते भगवान की जो कथा ये तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले भैया किसको किसको तीन लोगों को पवित्र करती है? बोले कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, ये तीनों को ये कृष्ण कथा पवित्र करती है। इसलिए कृष्ण कथा ब्राह्म मीठा कृष्ण कथा भाई मधुर कृष्ण कथाएं। कहते अगर कोई व्यक्ति भगवत सागर से पार होना चाहते हैं, बोले भैया तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आओ और केवल भगवान की कथा सुनो। जैसे श्री परीक्षित महाराज केवल कथा सुनते 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 सीधा ठाकुर को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान की कथा बड़ी प्यारी बड़ी मीठी है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, जिस समय ये कंस बड़ा अत्याचार किया है, ये कंस ने बड़ा अत्याचार किया है, बोले मेरे देश में कोई भगवान का नाम नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कीर्तन नहीं कर सकते, जो मेरे देश में भगवान की भजन कीर्तन करेगा उसको जेल में सीधा बंद कर देंगे। जितने साधु संत थे ना सब जेल में बंद कर दिया, और साधु संत लोग जेल में बैठ बैठ करके ठाकुर को पुकार रहे थे, ठाकुर जी हे पालनहार हे भगवान तुम कब आओगे, कब ये पुस्तक को विनाश करेंगे। अब ये पृथ्वी भी बड़ी दुखी हो गई, क्यों? देश में धर्म हो भगवान का नाम हो ना ये पृथ्वी बड़ी खुश रहती है, अगर जगत में अधर्म हो ना ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो जाती है। ये पृथ्वी दुखी होकर के श्री शंकर जी को पास में गए, शंकर जी ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी इंद्र को पास में गए, सारे देवता लोग मिल करके खीर समुद्र को पास में गए, और खीर समुद्र में जा करके भगवान को पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान का आह्वान किया। भगवान आकाशवाणी की, हे देवताओं तुम्हारी दुख को मैंने समझ गया है, हे देवताओं तुम लोग जदुगर से में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां तुम लोग गोद घर में जाकर के जन्म लो, मैं जल्दी जल्दी में आने वाला हूँ। अभी भगवान कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन इतने में श्री कंस ने अपना बहन श्री देवकी को कंस को साथ में साथ बुलाया, स्वयं सारथी बनकर के विदाई दे रहा था, आकाशवाणी बीच में हुई, बोले रे मेरा कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी का अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवता वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मयान से तलवार निकाला चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, वसुदेव महाराज ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी, किसी तरह से अभी ये देवकी को मेरे को बचाना चाहिए। कंस ने साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की, बोले इन बच्चों को कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको समझाने के लिए कोशिश किया, बोले कंस अभी तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, ये आनंद महोत्सव है, अगर अपना बहन की मारोगे ना सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। बोले तुमने आकाशवाणी में सुनी? बोले मैंने भी सुनी है। बोले ये बताओ तुम मरोगे नहीं मरोगे? बोले मरूंगा। बोले जब तू एक दिन मरोगे फिर ये बहन की मार कर क्यों मरोगे? बोले भैया जब मरूंगा मरूंगा अभी से क्यों मरूं?
खैर उन्हें समझाएंगे, देख कौन मरता है, तो ये शरीर मरता है, ये शरीर तो मरा हुआ है ही है, ये तो मिट्टी वायु अग्नि जल से ये शरीर बना हुआ है, तो मर फिर मरना है, लेकिन जो आत्मा है ना जायते ना मृियते अजो नित्य शाश्वत, तो ये आत्मा है, ये केवल ये शरीर बदलते हैं, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकते, अस्त्र से काट नहीं सकते, ये हवा से भीगने वाला नहीं, ये आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, केवल ये शरीर बदलती है। माँ शास्त्र तीर्थानी बता दिया है, जैसे एक वस्त्र पुराने होने पर हम ये पुराना वस्त्र को छोड़ करके ये नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर केवल बदलती है, ये आत्मा कोई बदलती नहीं, आत्मा नित्य है, लेकिन तभी ये सुन के राजी नहीं, बोले देख तेरे को पता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोले हाँ तेरे को पता है, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी का जितना बच्चा होगा सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा, सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू देवकी को मारना है, तू देवक को मारो मत, अभी ठाकुर जी की इच्छा है, बोले ठीक है, अभी उनको जेल में बंद कर दूंगा। जब पहला उनको बेटा हुआ ना, उसने पहला बेटे को लेकर के उसने कंस को अर्पण कर दिया, कंस का मन तो पानी पानी हो गया, अपना बेटे को काल को हाथ में प्रसन्न हो गया, तेरे सत्यवादिता में मैं संतुष्ट हूँ, तू बेटे को ले जाओ, अष्टम गर्भ का बेटे से मेरे मतलब है। अभी नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों, बोले भगवान कब आते हैं, जब पाप की घड़ा हो गया, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ रहा है, ठाकुर तो अन्न में लेट करेंगे, श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद बना दे। कंस ने कहा गुरु जी आए, भैया गुरु जी का चरण धोए, गुरु जी को आसन दिए, इतने में नारद जी ने कहा देख कंस कान खोल कर सुन, मैं अभी अभी देवलोक से आ रहा हूँ, मैंने देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, उनका विषय था तेरे को मारेंगे कैसे, सावधान ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं देवता लोग हैं, ये जितने गोपियां हैं ना सब देवी, ये मारने के लिए तेरे को षड्यंत्र करके आए। उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ थी, बोले बताओ इसमें पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये पहला नंबर, बोले उल्टा से गिन, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हो, बोले तेरे को समझ में नहीं आया, बोले नहीं, बोले देवता का पानी समझना बड़ा कठिन, उन्होंने बताया कि अष्टम गर्भ का संतान तू इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उल्टा से एक दो करे तो एकमा कौन सा हो जाएगा, बोले आठवां नंबर हो जाएगा। बोले गुरु जी फिर सबको मार दो, बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बात जानता, ऐसे भड़का है ना, और नारद जी बिना उठाए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कंस ने एक एक करके छह बच्चों को मार डाले। अभी प्रश्न होता है भैया नारद जी इतने बड़े संत ये बच्चों को क्यों मरवाए, आगे का इसका रहस्य समझो, ये नारद जी को इनकी पूर्व जन्म की कथा बताए, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मर चुके, एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर अपना बेटी को जन्म दिया, देखो ये माया कितना प्रबल है, ब्रह्मा जी अपना बेटी में ही मुक्त हो गए, और इन लोगों ने ब्रह्मा को फुली उड़ाए थे, देखो ये बुरे को अपना बेटी को भी दुराग रहे, ब्रह्मा जी उनको अभिशाप दे दिया, बोले मेरे को देखकर फुली उड़ाए तुम, जब तक तुम तीन जन्म तक अपना पिताजी को हाथ में नहीं मारे तो मुक्ति नहीं मिले, यही कंस पहले ये काल में था, इनका दो जन्म बीत गया है, अब ये तीसरा जन्म है, जितना जल्दी कंस को हाथ में मरेगा उसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए नारद उनकी पूर्व जन्मों की कथा जानते थे, इसलिए उन्होंने मरवाया नहीं, उनको मुक्ति दिलवाया, हाँ देखो और ये चीज में समझो, इन्होंने छह बच्चे मारे, इसका तात्पर्य क्या है,
तब भगवान अष्टम गर्भ में भगवान आएंगे। कौन सा गर्भ में आएंगे? अष्टम गर्भ में। बोले इसका तात्पर्य क्या, देखो अच्छे तरह से समझो, मैं कल पूछूंगा समझो, भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए, इसका क्या रहस्य है। कहते अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हो, बोले भैया पहले ये छह बच्चों को मारो। बोले ये छह बच्चे कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सल्य, ये सबसे बड़े हमारे शत्रु। कहते पहले ये छह बच्चों को मारो। बोले सप्तम गर्भ में कौन आए? बोले दाऊ भैया, बलदेव प्रभु। बोले ये बलदेव प्रभु कौन है? कहते ये पृथ्वी स्वरूप श्री बलदेव प्रभु, ये अनंत देव भगवान जिसको अगर सहन करते हैं कि पृथ्वी ये संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो भगवान को धारण करने वाले, इसलिए भगवान की जो सेवक है ये स्वयं लक्ष्मण लाल है, है? ये सप्तम गर्भ में आए जो भगवान को धारण करने वाले। फिर अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान कृष्ण कन्या, भगवान कृष्ण कन्या। तब ये एक तात्पर्य हो गया। देखो और एक चीज को समझो, भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए? कहते अगर भगवान को पाना चाहते हो, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव होता है, ये भक्ति का भी कुछ सीढ़ियां सोपान होती है। कहते भक्ति का पहला सीढ़ी किया, देखो इसको अच्छे तरह समझो, भक्ति का पहला सीढ़ी किया बोले श्रद्धा। जैसे हम सभी का हृदय में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आकर के बैठे हैं, अगर श्रद्धा नहीं होता तो कोई यहाँ पर नहीं आता, कोई आते हैं यहाँ पर। इसलिए भक्ति का सबसे जो पहला जो स्टेज श्रद्धा, मतलब दूसरा जो स्टेज मतलब साधु संग श्रद्धा है, बैठे फिर भगवान की कथा सुन रहे हैं, साधु संग भगवान की कथा सुन रहे, ये दूसरा नंबर है। मतलब तीसरा नंबर मतलब भजन क्रिया, मतलब भजन क्रिया का मतलब क्या, जब साधु संग करेंगे फिर हमें पता चलेगा भैया हम कौन हैं, हम आए कहाँ से, फिर हमें जाना कहाँ है, फिर हम जिसको अपना कहते हैं, फिर भैया फिर है कौन, फिर इनको पता चलता है हम कौन है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकरासी, हम सबके सब भगवान के औलाद हैं, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया ये संसार रूपी कारागार में डाल दिया है। जब हमें पता चलता है भगवान की संतान है, अगर भगवान को पास में जाना चाहते हो क्या करो, भगवान की भक्ति करो, तभी ठाकुर को पास में जा सकते हो। इसलिए जो तीसरा जो स्टेज है ये भजन किया, फिर हम प्रभु की भक्ति करना शुरू करते हैं। और जो चौथा स्टेज है बोले अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति मतलब क्या, जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे हमारा हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार है, इसलिए असत तृष्णा हृदय द्रवल्य, ये जितने पाप सबके सब खत्म होगी। जब पाप खत्म होगी उसको बाद में क्या आएगा, उसको बाद में आएगी रुचि। रुचि मतलब क्या, मन लगाकर समझ सकते सब, ये रुचि मतलब क्या होता है, रुचि मतलब अच्छी। जैसे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, जगत में इससे मीठा जगत में कुछ नहीं है। कहते भगवान के नाम में जितने रस है ना, भगवान की भक्ति में जो रस है दुनिया में और किसी चीज में वो रस है ही नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ा माला जप करो, नहीं जप कर गया, लेकिन तीन तीन घंटा बैठकर सीरियल देख लिया, झूठ मुठ की गंदी गंदी तीन तीन घंटा देकर बैठ जाएगी, लेकिन बोले भैया एक माला जप कर, यकीन हो नहीं पाता। बोले क्यों? बहुत पाप है हमारे अंदर में, बहुत सारी पाप बैठा हुआ है, ये पाप हमें भक्ति करने नहीं देती है। लेकिन जब भक्ति करोगे, हाँ एक उदाहरण दिया, आप लोगों ने मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए हैं आप लोग बताओ तो, मिश्री खाने में कैसे लगता है? मीठी। जोर से बोला मीठी। लेकिन ये मिश्री तो मीठी है, लेकिन कभी कभी मिश्री किसी को कड़ू कड़ुआ भी लगता है, आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़ुई लगती है? कौन बोले हाथ उठा, बोलो मिश्री कड़ुई किसको लगती है? बोलो जोर से, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए ना, जंडी सी हो जाए, उसको जो कुछ दोगे ना वो सब मिश्री भी रसगुल्ला भी उसको कड़ू लगेगा, उसको भी रसगुल्ला भी कड़ू लगेगा, क्योंकि उसकी जंडी सी का बीमार है। लेकिन पहले ना इतना कोई दवा नहीं होता था, डॉक्टर लोग बोलते थे देखो तो मिश्री जूसा करो,
लेकिन मिश्रित मीठा लगे तेरे को मीठा नहीं लगेगी, मिश्रित तुमको मीठी नहीं कड़ू लगेगी। लेकिन मिश्रित को छोड़ना नहीं, मिश्रित को चूसते रहना। मिश्री चूसते 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 जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठी लगने लग जाएगी ये समझो तुम्हारी बीमारी सही होगी, तुम्हारी बीमारी सही हो गई। यहाँ पर कहते हैं भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, इससे मिट्टी दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हनुमान जी को देखो, तीन भर प्रभुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तीन भर प्रभु का सेवा भक्ति में लगे हुए। शंकर जी को देखो, महामंत्र जयी जपत महेशा, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, दिन रात प्रभु का भजन करते हैं, दिन भर भजन। गणेश जी को देखो, महिमा जासु चान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी की पहला पूजा क्यों होता है? गोस्वामी जी कहते एक ही कारण है, वो भगवान के नाम को जप करते हैं। इसलिए भगवान नाम सबसे मीठा, इससे मीठा नहीं। लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगता, बोले क्यों? बोले अभी जंडिस का बीमारी है। ये जंडिस का बीमारी मतलब क्या? पूर्व पूर्व जन्म में हमने इतने पाप जन्म किए, गंदी चीज की हमें अच्छी लग जाती है, इसकी चुगली निंदा होना घंटे घंटे बीत जाएगी। इससे तो बढ़िया चीज दुनिया में कुछ होगी, इससे मीठा और कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बोलो भैया, एक माला जप कर हमसे नहीं होता है, क्यों? ये पाप है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया, ये पाप कैसे खत्म होगी? बोले मिश्री को चूसो, बोले भगवान के नाम का जप करो। जितने प्रभु का नाम जप करोगे ना, उतना तुम्हारी क्लेश, उतना कष्ट, इतना तुम्हारी पाप नष्ट हो जाएगी। जब पाप नष्ट होने लग जाएगी, है तो नाम इतने मीठा लगेगा, फिर हमसे छूटेगी नहीं। उसके बाद हो जाता है जो सप्तम स्टेज है, कहते ये निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या? इतने पक्की बन जाओगे जैसे मीरा है। मीरा ने जब भजन की, उनका पूरा परिवार विरोध हो गए, जेठ ननंद सास दुनिया उसका विरोध हो गई, सारा दुनिया। लेकिन मीरा ने देखो, ध्यान करके सुना, मीरा ने प्रभु का दुनिया छोड़ दी, लेकिन भगवान ने भजन उसने छोड़ी। तभी ये दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। किसकी जय जयकार हो रही है? उसका पति की, जेठ है ना सास ससुर की, बल्कि उसकी निंदा होती है। अभी भी देखना, कंस का पुतला फूटा फूटते कि नहीं? अभी भी रावण का पुतला फूटता है, पुतला फूटता कि नहीं? यहाँ फूटती है। इसका मतलब है जो भगवान की विरोध करते है ना, कहा द्वापर युग में, कहा तृतीय युग में रावण और कंस आए, अभी भी उसका पुतला फूटता है। मतलब है जो भगवान की विरोध करते है ना, जिंदगी भर उसकी बदनामी रहती है। लेकिन जो भगवान की भजन करते हैं, जिंदगी भर उसके नाम की जय जयकार होती है। इसलिए शिक्षा देती है, भैया दुनिया छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटे, दुनिया छूटेगा ही लेकिन भजन नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं निष्ठा। बोले उसके बाद में बोले आसक्ति। बोले आसक्ति का मतलब क्या है? जब भक्ति में तुम्हारी लगन लग जाए ना, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी सुन लगे भगवान, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और उसको स्पर्श किया है, उसको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी ठाकुर जी की चरण की मुकुर की छमछम की आवाज सुनाई पड़ेगी। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए, उसको स्पर्श कर लिया, उसको रोंगटे खड़े हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे, इतने ठाकुर जी की प्रकाश है, आग चकाचौंध हो जाए। इसको कहते हैं ये सप्तम स्टेज है। और अष्टम स्टेज में भगवान कृष्ण आए, अष्टम स्टेज में साक्षात बांके बिहारी भगवान कृष्ण स्वयं, जब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी भगवान जन्म लेने वाले हैं, माता देवी की गर्भ धारण की, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में भगवान को स्तुति स्तव कर रहे हैं, भगवान की स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी को। देखो अभी ठाकुर जी आने वाले, इसलिए हम सबके सब मिल करके भी हम मिल करके स्वागत करेंगे। अभी देखो अभी ठाकुर आने वाले, जैसे यहाँ पर आज मोती आए ना, अगर मोती को बुलाओ तो ना कितना स्वागत उसके लिए था। अभी कौन आ रहे हैं? विश्व ब्रह्मांड का मालिक आने वाले। ये पृथ्वी इतने प्रसन्न हो गई। बोले इतने प्रसन्न क्यों हुई? बोले भगवान नंगे प्यार में विचरण करेंगे, नंगे की चरण स्पर्श हमें प्राप्त होगी, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो गई थी।
कहते हर अवतार में ठाकुर जी मेरे ऊपर में कृपा की। सत्य युग में जब भगवान बाहर रूप में आए, पृथ्वी का अपना पत्नी रूप में स्वीकार की। तृतीय युग में भगवान आए, अरे मेरे तरफ में देखो, तृतीय युग में भगवान राम आए। हम लोग बताओ तो माता सीता की जन्म कहाँ से हुई थी? कौन बोलेगा हाथ उठा? मैया सीता ने कहाँ से जन्म हुई? जोर से बोला, पृथ्वी। इसलिए भगवान राम की शादी सीता में हुई। आप बताओ भगवान राम का सीता ये पृथ्वी क्या लगी? अरे बोलो जोर से, उनका सासू लगती है। इसलिए पृथ्वी खुश हो रही है, तृतीय युग में भगवान अपना सासू बना है। अरे द्वापर युग में कृष्ण जन्म हो रहे हैं, कहते सत्य भामा स्वयं पृथ्वी रूप में लेकर आएगी। इसलिए पृथ्वी बड़ी संतुष्ट हो रही थी, खुश हो रही थी। और जो यमुना नदी कलकल नाद से प्रवाहित होते हुए इतने प्रसन्न हो रहे थे, बोले क्यों? भगवान जी अपना पटरानी बनाएंगे, जल विहार करेंगे, अपना सखी बनाएंगे। श्री यमुना महारानी की जितने और नदियां वो भी खुश हो गए, बोले क्यों? कि ये यमुना है ये सबसे बड़ी बहन है, और जितने नदियां उनकी छोटी बहन है। आप देखना, छोटी बहन जब यमुना के साथ में कृष्ण की शादी होगी, जितने और नदी उनकी साली बन जाएगी। आप देखना दामाद कभी कभी अपना पत्नी से ज्यादा सालियों को प्रेम करते हैं, इसलिए दूसरे दूसरे नदी खुश हो रहे थे, प्रभु हमें साली बनाएंगे। और आकाश में मेघ छा गई, आवाज हो रहा था एकदम आकाश मेघ में छा गई। और चंद्रमा कहते भगवान जिस दिन प्रकट हुए उस दिन अष्टमी का रात थी, और कौन सा थी? अष्टमी का रात। अष्टमी का रात में चंद्रमा आधी होती है, लेकिन आज भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में स्वयं चंद्रमा प्रकट हो गई। कमल फूल दिन में खिलता है, लेकिन आज रात में कमल फूल खिला, बोले क्यों? बोले भगवान मेरे साथ में संत लोग भगवान के सारे अंगों को मेरे साथ में उदाहरण देंगे। बोले नमो पंकज नाय, नमो पंकज नाय, क्या बोलेंगे? आंख कमल, मुख कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल। इसलिए कमल फूल दिन में खिल गया, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे भगवान की। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग आनंद नहीं आ रहे हैं? कोई है कोई जय बोल रहे, अब जोर से जयकार दो ना, भगवान आ रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय भगवान कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो रहे हैं, सारे देवता स्वागत कर रहे हैं, हम भी ठाकुर को स्वागत करते हैं। सबके सब मेरे पीछे ताली बजाते होंगे, सबके सब स्वागत कर रहे हैं। बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, ठीक विग्रह जनता, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम हरि जी तेरे स्वागत है, कन्हैया तेरे स्वागत है, हरि जी तेरे स्वागत है, कन्हैया तेरे स्वागत है।
हरि जी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है।